हेलो हेलो, एक बार देखिए आवाज़ आ रही है आप लोगों को। एक बार चेक कीजिए फटाफट आवाज़ आ रही है या नहीं, बताइए एक बार जल्दी से ज़रा। हेलो, अभी भी नहीं आ रही। हेलो, हेलो ठीक हेलो, आ गई ना, अब तो आवाज़ आ रही है। एक बार देखिए आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ठीक आ गई, देखो भाई माता रानी का कृपा है, भगवान आवाज़ आ गई। मुझे लिटरली नहीं लग रहा था भाई आवाज़ आएगी। चलिए चलिए, आ गई आ गई आ गई, बहुत बढ़िया। मुबारकबाद आप सभी को, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को कि आवाज़ आप लोगों की आ गई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज स्पेशल सेशन रखा है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों की क्लास अच्छे तरीके से हो जाए। और आपके जो MTS का आने वाला एग्ज़ाम है अक्टूबर के महीने में, इसके अलावा GD का एग्ज़ाम है, स्टैनो का एग्ज़ाम है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ विद इन अ 1 मिनट। मेरा टारगेट है कि पहले ना जो स्टार्टिंग के मंथ पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाले जो मंथ पढ़ रहे हैं ना, सेप्टेम्बर वाला, इसके अलावा अगस्त वाला, उसके अलावा जुलाई वाला, पहले इन 3 महीनों को टारगेट कर लेते हैं करंट अफेयर्स को। उसके बाद हम चलेंगे पुराने महीनों पर, मगर मार्च तक के करंट अफेयर कराने की मेरी आपको कोशिश रहेगी कि लगभग मैं आपको मार्च तक के करंट अफेयर करा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जुड़े रहने के लिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, 2 घंटे का ऑलमोस्ट मैं टाइम लेकर चलूंगा कि पूरे हो जाए, और अगस्त के महीने के क्वेश्चंस हैं। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी 2 क्लासेस मिल जाएंगी, एक वाईफाई 2.0 पर और एक क्लास आपको मिल जाएगी साइंस हेवन पर। इसके अलावा एक एडिशनल क्लास आपको और देने की कोशिश करूंगा मैं साइंस हेवन पे, जिसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के मैं क्वेश्चंस करवाया करूंगा रात 9:15 बजे। तो उस क्लास में भी जरूर जुड़िया, कल से जरूर जुड़िएगा उस क्लास में भी। इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज रहेंगे, किसी भी कोर्स में आपको एनरोलमेंट करनी है तो जरूर कीजिए। केवल ध्यान रखना, आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड, अगर आपका कोई भी डाउट है, जैसे आप क्लास में डाउट पूछते थे हाथ खड़ा करके डिस्टर्ब करते थे, तो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना, आपको अपना डाउट पूछना है। अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे साइड में सिंबल बना आता है रेज योर हैंड का, उस पर आप क्लिक करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ अन्य कोर्सेज रहेंगे, किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। इसके अलावा ये मेगा कॉम्बैट था जो कि आज करवा दिया गया है, वैसे हमेशा आपको कॉम्बैट मिल जाएगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला। अब करवाया जाएगा अगले संडे को, मगर वो अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा। आज था मेगा कॉम्बैट, अब मेगा कॉम्बैट नहीं, नेक्स्ट जो वीक होगा वो कॉम्बैट होगा। इसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है 1 करोड़ तक की, याद रखिएगा इस बात को भी। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे, किसी भी कोर्स में आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया, ऑल सेट, सभी तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं सवालों को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आराम से जवाब दीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए, मान लीजिए आपका एग्जाम ही हो रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, हेजिटेट मत होना। सवाल है माई एम एस एम ई, इसको डालिए अंडरलाइन में, बॉक्स में डाल दीजिए। मान लीजिए आपका MTS का एग्जाम है, वहां पर केवल इतना ही पूछ गया, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSME, तो आप जवाब देंगे मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये देखिए ये लिख रखी है यहाँ पे फुल फॉर्म, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस रहेगी MSME की फुल फॉर्म। MSME की फुल फॉर्म क्या रहेगी? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं, माई एम एस एम ई मोबाइल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वो बोल रहा है माई एम एस एम ई जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, तो इसी प्रकार का माई एम एस एम ई, MSME की फुल फॉर्म रहेगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, सवाल यह है किस मंत्रालय के द्वारा, वो कौन से मंत्रालय है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। 15 सेकंड का समय है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, या फिर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। दोनों तरीके से सवाल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, सवाल वो दोनों तरीके से पूछ सकता है, वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है और वो आपको घुमाकर भी पूछ सकता है। इस जो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 के महीने में, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, लॉन्च करने वाले का नाम था एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू कौन है, एम वेंकैया नायडू कौन है, तो आप जवाब देंगे सर एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो आप जवाब देंगे सर 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पहला कौन था, पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक क्वेश्चन और पूछा, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। इसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और पूछा कि उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा इस देश का, इस कंट्री का जो उपराष्ट्रपति रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, उसका वेतन कितना होगा, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिए। बिल्कुल आपके MTS लेवल का, बिल्कुल आपके GD लेवल का सवाल है, 100% चांसेस हैं कि पूछ जाए। ठीक, नहीं नहीं मिक्स क्वेश्चन करवाने की मैं कराऊंगा आज, मिक्स क्वेश्चन स्टैटिक GK के भी और करंट अफेयर के भी। बस बोलने के लिए है कि भाई करंट के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, 13वें वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर3 मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पॉलिटी की क्लासेस मेरी Science 7 चैनल पे चलती है, मैंने 14 क्लासेस कराई हैं। देखिए मैं दिल से चाहता हूँ पॉलिटी, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में वो, मगर आप समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी रहते हैं कराने के लिए, इसीलिए थ्योरी वाला थोड़ा काम पीछे चल रहा है हमारा। 1.5 लाख, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए कि उपराष्ट्रपति की सैलरी है 1.5 लाख, उपराष्ट्रपति की सैलरी है 2 लाख, उपराष्ट्रपति की सैलरी है 4 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी है 0, 0। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप सवाल का जवाब क्या टिक करेंगे कि उपराष्ट्रपति की सैलरी है 0, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन 0 है, 0 है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है किस चीज़ का, राज्यसभा का सभापति होने का, राज्यसभा का अध्यक्ष होने का, राज्यसभा का अध्यक्ष होने का वेतन उन्हें दिया जाता है और वो वेतन कितना है। तो आप जवाब देंगे सर वो वेतन है 4 लाख रुपये, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, जो दूसरी सबसे ज़्यादा सैलरी है इस देश के अंदर, वो कौन बोरो कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो उपराष्ट्रपति अर्न कर रहे हैं, मगर उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। ठीक, सवाल का जवाब 4 लाख है, ध्यान रखना अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाएँ तो 0 टिक करेंगे, और इसी प्रकार से अगर ना दिए जाएँ, यहाँ पे दे दिया होता 2 लाख तो आपको टिक करना पड़ता 4 लाख, क्योंकि डिपेंड करता है एग्ज़ाम कौन सा है, मगर सवाल का जवाब यहाँ पे 0 रहेगा, वहाँ पे 4 लाख रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च इट्स न्यू फ्री इनिशिएटिव AI, AI की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये बनेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, आप जवाब देंगे AI की फुल फॉर्म रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म क्या रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी AI की फुल फॉर्म। ठीक, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च इट्स न्यू फ्री इनिशिएटिव AI फॉर ऑल इन कोलैबोरेशन विद CBSE। कोलैबोरेशन की स्पेलिंग को अंडरलाइन कर लेना, MTS के एग्जाम में इतनी इजी स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं। ठीक, विद CBSE एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू टेक टू टीच इंडिविजुअल्स द बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। हिंदी में पढ़िए सवाल को, किस प्रौद्योगिक कंपनी ने भारत में व्यक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल बातें सिखाने के लिए CBSE और शिक्षण मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय के सहयोग में अपनी नई मुफ्त पहल AI फॉर ऑल शुरू करा है। मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने बोला है हम सिखाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे और स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाएंगे CBSE के, और इसके लिए कोलैबोरेट किया है CBSE के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक, सवाल का जवाब दीजिए, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है या फिर इंटेल है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, इसके जनक कौन है, तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है जॉन मैक कार्थे, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, इसके जनक आपको मिल जाएंगे जॉन मैक कार्थे के रूप में। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, भारत में मौजूदा समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन संभाल रहा है, शिक्षा मंत्री कौन है इस देश का मौजूदा समय में, करंट सिचुएशन में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। दो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब, शायद ये क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल में पढ़ाया भी है, सवाल का सही जवाब रहेगा इंटेल। मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था कि दुनिया में जो वो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है ना, याद कीजिए उस सवाल को, उस दिन की घटना को, कि दुनिया में जो वो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो हमारे लैपटॉप में इनबिल्ड होती है, वो चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है या उसकी जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी कर रही है, उस सवाल का जवाब भी इंटेल था। और यहाँ पर ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब भी क्या है, इस सवाल का जवाब भी इंटेल है, ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जवाब भी क्या रहेगा, इस सवाल का जवाब भी रहेगा इंटेल। क्लियर, कितने घंटे की ट्रेनिंग, मतलब कितने दिन सिखाया जाएगा, तो 4 घंटे के आसपास डेली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडिविजुअल को सिखाने की कोशिश है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर आप डिटेल इसकी जानना चाहेंगे तो। ये बस मुझे ये बता दीजिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है करंट सिचुएशन में,
बाकी सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। सवाल का जवाब इंटेल, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने वाली कंपनी भी कौन सी है? इंटेल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, बफरिंग नहीं हो रही है, मैंने पूरा का पूरा कनेक्ट कर रखा है सिस्टम, बफरिंग नहीं होगी भाई, मेरे सामने है, मेरे सामने चल रही है क्लास ज़बरदस्त तरीके से। ठीक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? भारत में 25वें नंबर के महालेख नियंत्रक के रूप में किसे चुना गया है? चलिए भाई जवाब दीजिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एग्जाम में 100% चांसेस बनेंगे कि ये सवाल तो पूछ ही लिया जाए। इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछूंगा, भारत के मौजूदा समय के कैग कौन है, भारत के मौजूदा समय के अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत में कितने होते हैं सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन है भारत में मौजूदा समय में, एक सवाल आपसे ये पूछूंगा, कितने होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये तीन सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, एडवोकेट जनरल के बारे में भारतीय संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? तो ये हो गया मिक्सचर, मतलब मिक्स क्वेश्चन करने की शुरुआत है ये, एडवोकेट जनरल के बारे में भारतीय संविधान में कहां लिखा हुआ है? ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चांसेस हैं कि यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है, कोई मतलब इतना बहुत लंबा चौड़ा घटना नहीं घट रही है कि आप जवाब ना दे पाएं, वो कहानी आपने सुनी होगी, एक घटना घटी अनोखी, पौला लाने गया था लौकी, वो खाली स्टोरी। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब दीपक दास है। एक सवाल तो ये हो गया, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले आपको सोमा रॉय मिल जाएंगी, वो 7वीं महिला अध्यक्ष थी, किसकी? CGA की। CGA की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में अगर ये सवाल एरर के रूप में पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि कंट्रोलर जनरल एंड यहां पर लिखा हो अकाउंट्स एंड अकाउंट्स, तो आपको एंड को काट के यहां पे किसको टिक करना पड़ेगा? ऑफ को। और अगर यहीं पर लिखा होता CAG, यहीं पर लिखा होता CAG, आपसे पूछ लिया जाए CAG की फुल फॉर्म क्या है या फिर CGA की फुल फॉर्म क्या है, CGA में क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CAG में क्या है? CAG में आपको मिलेगा कंट्रोलर मिलेगा यहां पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, भारतीय संविधान में ये CAG मतलब कैग की पोस्ट के बारे में कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 148 में, आर्टिकल नंबर 148 में इस पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा मौजूदा समय में ये कौन है? तो आप जवाब देंगे GC मुर्मू हैं। मौजूदा समय में ये कौन है? आप जवाब देंगे सर GC मुर्मू हैं, भारतीय कैग CAG की पोस्ट जो है, महालेख परीक्षक की जो पोस्ट है वो कौन संभाल रहा है? GC मुर्मू। तो ये वाला सवाल हमारे पास हो गया, अटॉर्नी जनरल कौन है मौजूदा समय में, तो इसका जवाब रहेगा KK वेणुगोपाल हैं मौजूदा समय में अटॉर्नी जनरल। ठीक, एक सवाल ये हो गया। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है कि भारतीय संविधान में कितने सॉलिसिटर जनरल का बारे में लिखित मतलब लिखा हुआ है? इसे हम क्या बोलेंगे? महान्यायवादी। इसे हम अटॉर्नी जनरल को बोलेंगे महान्यायवादी। भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में है। अगर 76 के अंदर 79 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 165। और 165 में क्या लिखा हुआ है? एडवोकेट जनरल के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, इसे हिंदी में बोलेंगे महाधिवक्ता। ये राज्य का सबसे बड़ा मतलब स्टेट का सबसे बड़ा कानून का जानकार है, सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट। जैसे पंजाब का होगा तो सबसे बड़ा कौन होगा? लॉ ऑफिसर, महाधिवक्ता होगा। और अगर कंट्री के हिसाब से बात करें तो कंट्री के हिसाब से कौन मिलेगा? अटॉर्नी जनरल मिलेगा। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 76 में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 78 में। और भारतीय संविधान में अगर सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम बात करें तो कितने सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख है? 4। मगर हम एक को जानते हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना मेरे हिसाब से। ठीक, किसी का कोई डाउट आर्टिकल को लेके, किसी का कोई डाउट, किसी भी चीज में कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए, किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा, वरना चलते हैं आगे। ये बात याद रखना, 76 में क्या जोड़ा है? 79 मैंने जोड़ा है। 77 में 79 जोड़ोगे, मतलब 79 जोड़ते चलोगे ना 70 वाली सीरीज में, तो आगे वाले जितने सिमिलर मिलेंगे ना आर्टिकल वो सेम मिल जाएंगे। यहां आपको जो आर्टिकल्स मिलेंगे आगे की तरफ सेम मिल जाएंगे वो सभी आर्टिकल्स। ठीक, सवाल का जवाब यहां क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल में 165। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल है हु हैज बीन नेम्ड या फिर हु हैज बीन
सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टीजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। एक पुरस्कार है, एक अवार्ड है। अवार्ड का नाम है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सन 2021 में 2021 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कृष्णा एले को, सोनम वांगचुक को, कैलाश सत्यार्थी को, या फिर साइरस पुनेवाला को। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए जी, फटाफट से सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ठीक है, समझ के आपको जाना ही पड़ेगा, बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे वरना जो गलत ही टिक करके आएंगे आप हमेशा। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर कृष्णा एले, सोनम वांगचू, कैलाश सत्यार्थी या फिर साइरस पुनेवाला। अगर कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं 2014 में 2014 में ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। ढंग से सुन लीजिए, नोबेल जो प्राइज़ था इनको वो मिला था पीस के लिए, शांति के लिए। तो पहले हैं ये जिन्हें नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है 2014 में। इनके साथ और किसको मिला था? इनके साथ मिला था मलाला यूसुफ जय को, मलाला यूसुफ जाई को इनके साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2014 में। कैलाश सत्यार्थी इसके अलावा बचपन फाउंडेशन के भी मतलब स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं, उनके वही करता धरता है, उनके द्वारा स्टैब्लिशमेंट की गई थी बचपन फाउंडेशन की, इसीलिए भी इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मलाला यूसुफ जाई का जो जन्मदिवस है वो मनाया जाता है 12 जुलाई को, और इसी दिवस दिन को हम मनाते हैं मलाला यूसुफ डे के रूप में, जो यूएन ने बोला था 2013 में और 2014 के आसपास पहली बार मनाया गया था ये वाला दिवस। ये वाला पॉइंट भी याद रखना। और ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा साइरस पुनेवाला, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा साइरस पुनेवाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन टू ओलंपिक्स मेडल इन अ इंडिविजुअल कैटेगरी। बहुत बेसिक सवाल है मगर हमारा एग्जाम भी तो बेसिक वाला है। अब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस तो पढ़ के नहीं जाएंगे इतने बेसिक पेपर में। ठीक, सवाल है व्यक्तिगत वर्दा में, व्यक्तिगत वर्ग में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसके अलावा पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है जिसने दो ओलंपिक मेडल जीते हैं। चलिए, ऐसा पहला भारतीय कौन सा खिलाड़ी है जिसने दो ओलंपिक मेडल जीते हैं और किस खेल में जीते हैं, इसका भी जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट करके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सवाल है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी किताब हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत इजीली आप टैकल कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। मैरी कॉम हार गई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा 6 के आसपास गोल्ड मेडल जीते हैं, एक सिल्वर जीता, एक ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। वो गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ मैं, ओलंपिक मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैरी कॉम जी के बारे में। ठीक है, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर कौन है? सबसे कम उम्र का मतलब सबसे मिनिमम एज का राज्यसभा का मेंबर कौन है? एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपका एग्जाम बहुत बेसिक है, यही सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक, सवाल का जवाब है पीवी सिंधु, और अगर यहाँ इस सवाल को देखा जाए तो यहाँ मिल जाएंगे सुशील कुमार, यहाँ मिल जाएंगे आपको सुशील कुमार। कौन से खेल में जीते हैं इन्होंने? तो आप सभी लोग जानते हैं भाई साहब, कुश्ती लड़ते हैं, रेसलर हैं, कुश्ती लड़ते हैं। ठीक, तो रेसलिंग वाले खेल में इन्होंने जीते हैं। अगर बात करें पीवी सिंधु की तो पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। पीवी सिंधु ने एक सिल्वर मेडल जीता था 2016 में और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 के ओलंपिक्स जो 2021 में करवाए गए हैं, 2016 वाले करवाए गए थे ब्राज़ील में, रियो द जनेरियो में। क्लियर, सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर कौन सा है? जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए सर, सुशील चंद्रा कौन बोल गया? आयुषी जी, आयुष है या फिर आयुषी है? आयुषी जी, सुशील चंद्रा तो मैडम आपको मिलेंगे ईसीई में, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिलेंगे। मैडम क्या कर रहे हो, समझिए आराम से। सुशील कुमार ने, जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में, जो चीज़ हमें आती है उसको गलत करके नहीं आना, जो नहीं आता उसको तो छोड़ना ही है मगर जो आता है उसे गलत नहीं करके आना। ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए। सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर कौन बना है? ये लिखा हुआ है नाम एमसी मैरी कॉम, ये याद रखना, ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मैरी कॉम। इसके अलावा 2021 में टोक्यो के अंदर ओलंपिक करवाए गए, ओलंपिक में जो झंडा रोपण का काम होता है ना, मतलब जो फ्लैग बैरियर बना ओपनिंग सेरेमनी में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एमएम। अब आप बोलोगे सर ये एमएम कौन है, तो मैं बोलूंगा सर एमएम का मतलब है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। किस दिन बने फ्लैग बेयरर? जब ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लोजिंग सेरेमनी में कौन बना, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन बने थे, मतलब झंडा लेके भारत का कौन चला?
तो MM चले, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से है, हॉकी के कप्तान है। क्लोजिंग सेरेमनी वाला जल्दी जवाब दे दीजिए। और मैं लगाता हूँ इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। कमलप्रीत कौर के बारे में भी आप जानते होंगे, वो भाई साहब शूटपुट वाली खिलाड़ी हैं, ठीक, जिन्होंने वो फेंका, वेट फेंका, और पहली भारतीय खिलाड़ी है महिला जो उसमें क्वालिफाई तक करी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल अगेंस्ट कोविड-19। वो बोल रहा है भारत का पहला शहर ऐसा कौन सा है जहां पर 100% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा थी। रीड बिटवीन द लाइन, छुपी हुई चीजों को जरूर ढूंढ रहा, क्योंकि 18 से ज्यादा की आयु को ही लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, ठीक। ऑप्शन है इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर या फिर रांची, इसके अलावा शायद हिमाचल प्रदेश को भी घोषित कर दिया गया है। चलिए जी, पुनिया, बजरंग पुनिया, बहुत अच्छे जी, बहुत सही, ठीक। दोनों सवालों के जवाब हमें मिल गए, हमने दोनों सवालों के जवाब इस तरीके से मैनेज कर लिए, ठीक। वो लोकमान्य तिलक वाला अवार्ड आपने देख लिया था, किसको मिला था? साइरस पूनावाला को। उसमें अगर बात करें राशि की, तो 1 लाख रुपये राशि दी जाती है। कब से वो पुरस्कार दिया जा रहा है? तो 1983 से, सन 1983 से, ठीक। 1983 में पहली बार दिया गया था लोकमान्य तिलक पुरस्कार, याद रखना, लोकमान्य ट्रस्ट के द्वारा, ठीक। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? बहुत ही बेसिक सवाल है, एक बहुत फेमस शहर है भारत का जहाँ से सवाल बनना ही बनना है, मतलब एक बहुत ही फेमस सवाल है भारत का जहाँ से आप जानते हो कि सवाल बनता ही बनता है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा भुवनेश्वर। किसकी राजधानी है? तो भाई हम कहेंगे उड़ीसा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा में कौन बैठा है? नवीन पटनायक जी। उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री बनकर बैठा है? उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं नवीन पटनायक जी। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जो सैंड से, मतलब मिट्टी से कलाकृति बनाते हैं, उनका नाम है सूरदर्शन पटनायक। उन्हें इटली के एक बहुत ही विख्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो अगर सैंड पुरस्कार में नाम आ जाए किसी भारतीय का तो टिक कर देना सूरदर्शन पटनायक। ये भी शायद इसी साल का सवाल है, मैंने पढ़ाया है सूरदर्शन पटनायक वाला। कौन है सूरदर्शन पटनायक? तो सूरदर्शन पटनायक वो हैं जो कलाकृति बनाते हैं मिट्टी से, सैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है विच कंट्री हैज प्रेजिडाइज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द अगस्त 2021। ये सवाल एज इट इज बनने के चांसेस रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, इस सवाल को सीधा डालेगा कि अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महापरिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने की है। ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया। इसके अलावा आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के जो एक दौरा होने वाला था, मतलब न्यूजीलैंड कंट्री का दौरा होने वाला था पाकिस्तान में, खेलने के लिए आने वाली थी, उन्होंने मैच कैंसिल कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। उन्होंने बोला कि भाई सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में क्या हालत है आप सभी लोग जानते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था कि बाली जो आइलैंड है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आप सभी लोगों ने उस दिन जवाब दिया था कि बाली आइलैंड मौजूद है इंडोनेशिया में। इसके अलावा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो ब्रूनी आइलैंड नहीं बनाई गई है। इंडोनेशिया आर्किपेलॉजी, मतलब सबसे बड़ा आर्किपेलॉजी के रूप में आप देखेंगे उसे, मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे आइलैंड उसे मिलकर बना हुआ है, इस तरीके से आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ एक संधि साइन कर रखी है जो कहता है कि अगर इंडोनेशिया पे किसी दिन आक्रमण हुआ तो अमेरिका मानेगा उस पे आक्रमण हुआ है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन एन आइडल वर्ल्ड? इन एन आइडल वर्ल्ड नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है? कुणाल बासु, अनुराग बासु, अनुराग कश्यप या फिर करण जौहर। करण जौहर के द्वारा एक लिखी गई किताब है जिसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय। तो आप मुझे दोनों जवाब दीजिए कि सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आपने प्रीवियस ईयर शुरू कर दिए हैं तो ये नाम आपको जरूर मिला होगा, जो सुटेबल बॉय नामक एक किताब है, बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है। और एक किताब है एन अनसुटेबल बॉय एक किताब मिलेगी, ये किसके द्वारा लिखी हुई मिलेगी? ये जितना मुझे आइडिया है ये आपको लिखी हुई मिलेगी करण जौहर के द्वारा। इसके अलावा मेरा पर्सनल सजेशन है कि ट्विंकल खन्ना वाली किताब जरूर पढ़ के जाना, जो भी उन्होंने नई लॉन्च करी है। इसके अलावा एक किताब लॉन्च करी गई है कल्कि कोचीन के द्वारा, एलिफेंट इन अ बॉम्ब करके, अ बॉम्ब इन अ एलिफेंट या फिर एलिफेंट इन अ बॉम्ब करके, ठीक है, अ बॉम्ब इन अ एलिफेंट या एलिफेंट इन अ बॉम्ब करके किताब लॉन्च करी गई है। अगर आप इतना भी याद रख पाएंगे तो मान लीजिए आपकी याददाश्त सुपर्ब है, ऑसम है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मतलब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। करण जौहर, करण जौहर, और वॉली मिल जाएगी विक्रम सेठ के द्वारा, बहुत बढ़िया। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये किताब आपको किसके द्वारा लिखी हुई मिलेगी? ये किताब आपको लिखी हुई मिलेगी कुणाल बासु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने और पॉइंट लिखे हुए हैं ना कल्कि कोचीन वाला,
कल की कोचिंग आपने एक मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें जो अभय देओल के साथ जो एक्ट्रेसेस थी ना उनका नाम कल्कि कोचीन है। कल्कि कोचीन के संबंध जो है वो फ्रेंच से है, फ्रेंच की नागरिकता है जितना मुझे आइडिया इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु हैज टेकन ओवर एज अ एट्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एट्थ प्रेजिडेंट ऑफ ईरान। सवाल है, ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। चलिए भाई बताइए, ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। इसके साथ साथ एक जवाब और दीजिए, ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की कैपिटल क्या है और ईरान की मुद्रा क्या है। दो सवाल और हैं आपके लिए, ईरान की राजधानी क्या है और ईरान की करेंसी क्या है। ये दो सवालों के जवाब और दीजिए फटाफट से कमेंट करके। ये सवाल एसएससी जीडी के लिए रेलिवेंट है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रेलिवेंट है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एमटीएस के लिए तो मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैनो वाला एग्जाम भी यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा, मेरी पर्सनल गारंटी है, मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, चलिए, एलिफेंट इन अ वॉर्म, जी बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ याददाश्त मेरी अच्छी खासी है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं याद रखता हूँ चीज़ों को, लंबे समय तक मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ कि बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहें जिससे इजीली मैं जवाब दे पाऊँ आप सभी लोगों को। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, नौवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एम खोमेनी, एम ई मोसावाई, इब्राहिम रासी या फिर ई अहमद या फिर एम अहमद, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा इब्राहिम रासी, इब्राहिम रासी रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बार ये सवाल मतलब एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं ईरान से, बस ईरान की कैपिटल और करेंसी नोट डाउन कर लेना अपने पास, जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप ये नोट करेंगे कि ईरान की राजधानी ये है और ईरान की करेंसी ये है। मैं लगाता हूँ नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल है, शहरोज कासिफ बिलोंग्स टू विच कंट्री, हु बिकम्स द यंगेस्ट माउंटेनर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2। वो बोल रहा है ये शहरोज कासिफ किस देश से संबंध रखते हैं जो K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। आप मान लीजिए एग्जाम में वो सवाल यही बन पूछ गया सीधा कि दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन सा है जिसने K2 को समिट कर दिया। K2 कौन से वाले क्षेत्र में पड़ेगा, हमारे वाले क्षेत्र में पड़ेगा, मगर वो हमारा वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में, क्लियर। तो K2 की जो चोटी है उस पर समिट करने वाला, समिट का मतलब हो जाएगा चढ़ने वाला, चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र के माउंटेनर का नाम क्या बन गया, शहरोज कासिफ बन गया, किस देश से ये बिलोंग करता है, सवाल यहां पर ये है, जवाब देने की कीजिए कोशिश। ठीक, चलिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का सही जवाब रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मैंने आपको बताया था नेशनल ड्रिंक कौन सी है, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस इनकी नेशनल ड्रिंक है। याद रखना ये कंट्री भारी पड़ सकती है भाई साहब अगर इनको हल्का आंका गया तो किसी दिन, मतलब ये इतनी सारी कंट्री से जो दोस्ती बढ़ाई जा रही है ना इनकी, ये सही नहीं है, भारत को कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी पर और बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। वैसे तो ऑसम काम हो रहा है जितना हमें पता है उस तरीके से, तो ठीक काम हो रहा है, मगर फिर भी इसको घेरने की तैयारी पूरी करनी चाहिए। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन टाइटल भूकंप अलर्ट। ये सवाल सीधा आएगा भाई एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ मेरी सिक्स सेंस अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ सवाल सीधा आएगा, मतलब सीधा आएगा, भूकंप अलर्ट नामक वार्निंग सिस्टम, मतलब वो पहले ही आपको इत्तला कर देगा, बता देगा कि भूकंप आने वाला है ताकि आप अपनी सेफ्टी कर पाएं। तो ऐसा ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए, पाकिस्तान, शुगर कैन, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो जो सरफराज कश्यप वो जो सवाल पढ़ा आपने अभी पाकिस्तान वाला, उसको याद रखना, उसके बहुत सारे चांसेस बनेंगे। ठीक, शहरोज कासिफ वाला 19 साल की उसकी उम्र मिल जाएगी, 19 इयर्स का वो मिलेगा केवल, सेकंड हाईएस्ट पीक है वो चढ़ गया जिसपे, ठीक है, 86 11 मीटर्स की उसकी ऊंचाई रहेगी K2 की, 86 11 मीटर्स की उसकी ऊंचाई रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं नहीं बताता वाले पॉइंट, 86 11 मीटर्स की ऊंचाई रहेगी, कितनी उसकी उम्र है, 19 साल का है वो, केवल 19 इयर्स का है, और सवाल कब का है, 27 जुलाई 2021 को उसने सबमिट किया है ये, 27 जुलाई 2021 को इसने सबमिट किया है। ठीक, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए।
बहुत बेसिक सवाल है, बहुत इजीली आप सवाल को टैकल कर जाएंगे। सवाल का जवाब वो है जहाँ पे तीन मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। सवाल का जवाब उत्तराखंड है, यूके। उत्तराखंड के अंदर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है, जिस एप्लीकेशन का नाम रहेगा भूकंप अलर्ट। भूकंप आने से पहले ही आपको जानकारी दे दी जाएगी किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो भाई पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। लॉन्च किसने किया? तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो वहाँ के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की दो राजधानियाँ, एक गैरसन मिल जाएगी आपको राजधानी, और एक राजधानी आपको मिल जाएगी देहरादून। ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए स्टैटिक जीके में बना सवाल, सीधा सवाल पूछ गया भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन जो है, जो आपको बताएगी पहले कि भूकंप आने वाला है, वो किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, ठीक है? इस प्रकार से वो सवाल पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा आईआईटी रुड़की के द्वारा उसे डेवलप किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशियन मिलिट्रीज इंदिरा वॉज हेल्ड इन विच प्लेस? वो बोल रहा है भारत और रशिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम रहेगा इंदिरा। ये बहुत फेमस एक्सरसाइज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम क्यों ना हो, ये सवाल हर बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में बैक टू बैक ईयर्स। अब सवाल है, ये वाली एक्सरसाइज करवाई गई 2021 में, किस जगह पर करवाई गई? सवाल ये है, वोल्गोराड रशिया में, लैलिनग्राड रशिया में, नोवोसिब्सक रशिया में, या फिर व्लादिवोस्तोक रशिया में? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? पुडोबॉय रेंज रहेगी वहां पे, मतलब पुडोबॉय करके माउंटेन रेंज रहेगी, पुडोबॉय करके वहां पर माउंटेन रेंज रहेगी रशिया में। वहां पर एक जगह है, वहां पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया। अब सवाल यहां पर केवल इतना ही बनता है कि उस जगह का नाम क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए दीजिए भाई फटाफट से सवाल का जवाब कि उस जगह का नाम क्या है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा वोल्गोग्राड रशिया। वोल्गोग्राड रशिया में ये करवाया गया है। पुडोबॉय करके एक माउंटेन रेंज रहेगी, वहां पे इस एक्सरसाइज को कराया गया। जगह का नाम क्या है? वोल्गोग्राड रशिया जगह का नाम है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया और विद्यार्थी नहीं पढ़कर गया तो वो 100% जवाब देगा व्लादिवोस्तोक रशिया, क्योंकि केवल एक ही नाम है जो उसे आता होगा रशिया में, उसका जगह का नाम होगा व्लादिवोस्तोक रशिया। वो ऑटोमेटिकली या फिर लेनिनग्राद दे देगा, मगर कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं देगा वो इस सवाल का सही जवाब, ठीक। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा रशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। भारत ने मांग करी है S-500 की, भारत ने बोला है कि भाई S-500 हमें दीजिए सबसे पहले, और रशिया ने इस बात को ऑफिशियली रूप से बता दिया है कि भारत वो दुनिया का पहला देश बना है जिसने मांग करी है S-500 खरीदने की। S-500 क्या है? एंटी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है? आपने देखा इसराइल ने एक एंटी डोम, जो डोम सिस्टम था उसका इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया? पैलेस्टीन के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि गाजा रेंज, गाजा पट्टी से उनके ऊपर हमला हुआ था। तो एंटी डोम मतलब डोम सिस्टम को उसने एक्टिवेट कर दिया। एंटी मिसाइल सिस्टम है वो, कि अगर कोई भी मिसाइल आप पे आ रही होगी तो आप उससे नेस्तनाबूद कर दोगे हवा में, ठीक। तो उसी प्रकार से भारत ने S-400 तो खरीद लिया है, और S-400 हमारे पास आ जाएगा 2022-23 तक, पूरी उम्मीद है, ठीक। अब भारत ने मांग करी है कि S-500 दे दो। S-400 S-500 में क्या अंतर है? तकनीकी का तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इसके अलावा अंतर है ये 400 किलोमीटर की दूरी पर ही गिरा देगा कोई भी मिसाइल को, और ये 500 किलोमीटर दूरी पर गिरा देगा किसी भी मिसाइल को, इसलिए इसका नाम S-400 S-500 इस आधार पर रखा गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर अनदर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को एक और के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। मतलब कैबिनेट ने बोला है कि हमारी तरफ से ना ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसको और समय तक चालू रखी है। सवाल ये है कितने समय तक चालू रखी है? ऑप्शन है 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, या फिर 5 साल तक। चलिए जवाब दीजिए भाई फटाफट से। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अच्छा सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जबरदस्त सवाल है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूशन ऑफ द समग्र
शिक्षा स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन फॉर अनदर कितने सालों के लिए कंटिन्यू करने की मांग करी है यूनियन कैबिनेट ने। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, बेसिक सा ऐसा बच्चा सवाल है, चलते फिरते जवाब दे दोगे। सवाल यह है, भारतीय संविधान में कैबिनेट की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है? सवाल यह है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द की जो परिभाषा है ना, वो कहाँ लिखी हुई है, और नहीं लिखी भी हुई है या नहीं? चलिए, ये जो कैबिनेट शब्द की परिभाषा है भारतीय संविधान में कहाँ लिखी हुई है, और लिखी भी हुई है या नहीं लिखी हुई है, ये भी सवाल है। जरूरी नहीं है लिखी ही हो भाई, ऐसा थोड़ी 100% कंपल्शन की लिखी हुई है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का सही जवाब है 5 साल 5 ईयर्स अगस्त के महीने के सवाल है। इन्हीं सवालों को स्टैटिक जीके पे आप खेल सकते हो, सीधा ही बनाकर खेल सकते हो, मैं तरीका आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, स्टैटिक जीके का सवाल है। भारतीय संविधान में कहीं भी लिखी हुई है परिभाषा कैबिनेट शब्द की या नहीं? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए भाई, जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं। क्या कैबिनेट शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं भी लिखी हुई है, और अगर लिखी हुई है तो क्या हमेशा से लिखी हुई थी या बाद में लिखी गई, ऐसा कुछ है क्या? बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? नहीं लिखी, ठीक है, एक विद्यार्थी ने जवाब दिया नहीं लिखी। कैबिनेट शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान में लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 352 में। बस प्लीज ऑफलाइन में कमेंट करके ये मत बोलना कि 352 में तो लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। सर, जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा हुआ है, वहीं लिखी हुई है। कैबिनेट शब्द की परिभाषा कब जोड़ी गई थी? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, 44th अमेंडमेंट के माध्यम से जब जोड़ी गई थी। किसके समय पर जोड़ी गई थी? समय था मोरारजी देसाई का, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ईयर था 1978, सन था 1978। अब रीजन है जोड़ने का क्या, वो आपको मिलेगा साइंस 7 चैनल पे, आप आइएगा वहां पे पॉलिटी की क्लास लेने के लिए। क्लियर, कल से पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चंस वाली यार, ठीक, मगर क्वेश्चन भी इतने जबरदस्त तरीके समझाऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा एग्जाम में, मेरी पूरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज won 5 स्कॉच अवार्ड्स 2021, अ प्लैटिनम गोल्ड 3 सिल्वर अवार्ड्स इन 4 कैटेगरीज ऑफ द गवर्नेंस। वो सवाल पूछ रहा है, हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने शासन की 4 श्रेणियों में 5 स्कॉच पुरस्कार 2021 के, 1 प्लैटिनम, 1 स्वर्ण और 3 रजत पुरस्कार जीते हैं, उस सरकार का नाम क्या है? जैसे अगर बात करें 2018 की, 2018 में जो स्कॉच पुरस्कार जीता गया था बेस्ट सीएम के लिए, वो जीता गया था वसुंधरा राजे के द्वारा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, वो सवाल मैंने पढ़ाया था और ग्रुप डी के एग्जाम में एज इट इज सवाल आए थे, 300 क्वेश्चंस आए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, पूरी शिफ्टों को मिला के 300 क्वेश्चंस थे मेरे पढ़ाए हुए। तो उसी आधार पे यहां पर सवाल है कि स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए, कि अच्छा आप काम कर रहे हैं तो पुरस्कार दिया जाएगा। अगस्त के महीने में पुरस्कार दिए गए, 5 पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? 1 प्लैटिनम जीता है, गोल्ड जीता है और 3 सिल्वर जीते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल? चलिए दीजिए भाई सवाल का जवाब, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने पहली बार सुना है ये स्कॉच अवार्ड का ही नाम। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो मेरी आंखें ना इतनी कमज़ोर हो गई है, मैंने डबल करवाया चश्मे का लेंस ना, बिल्कुल दिखाई नहीं देता यार, चश्मे का लेंस डबल कराने के बाद दिखाई नहीं दे रहा, ये सोचो ना, पढ़ा पढ़ा कर पूरी पूरी रात फ़ोन में टेस्ट सीरीज सॉल्व कर करके थोड़ा सा अब बंद हो गया दिखना। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। इसके अलावा आप जानते होंगे बाबुल सुप्रिया के बारे में, शायद उन्होंने वेस्ट टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के बारे में आप जानते होंगे। एक सवाल आपसे पूछूंगा केवल, जो सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? टीएमसी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर बता दीजिए बस फटाफट से कमेंट करके। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, जीडी के एग्जाम में आप बैठेंगे, एमटीएस के एग्जाम में बैठेंगे, स्टैनो में इवन, टीएमसी की स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है ये बता दीजिए, इसका फाउंडर कौन था? तो फाउंडर का नाम है ममता बनर्जी, जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी का नाम वो टाइम्स मैगजीन में, मतलब टॉप 100% में भी आया है, जहाँ पे मोदी जी का आया है, पुणे वाले का भी आया है, साइरस पुणे वाला का भी नाम आया है, ठीक, नहीं वो पुणे वाले का नाम, पुणे वाला का नाम भी आया है, वो भी ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी, मोदी, साइरस पुणे वाला, इन सभी का नाम आया है। टीएमसी की स्थापना कब हुई, कौन से ईयर में, ठीक। इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का एकमात्र महिला रेल मंत्री कौन रही है, भारत की ओनली एंड वन एंड ओनली रेलवे मिनिस्टर कौन रही है फीमेल, दो सवाल का जवाब भी रहेगा ममता बनर्जी। तो सभी सवालों को दिमाग में बिठा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं।
वेस्ट बंगाल के बारे में आप जानते हो, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि भारत की पहले पुरानी राजधानी हुआ करती थी। बहुत कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में हाल फिलहाल में, नाम बदलने की भी मांग करी गई। इसके अलावा 1905 में वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, वहीं पर गाना गाया गया था अमार सोनार बांग्ला, जो अमार सोनार बांग्ला गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आज की डेट में 1972 से, 26 मार्च 1972 से अमार सोनार बांग्ला नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का। ये सभी चीज़ें उम्मीद करूंगा आप जानते होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, विच स्पोर्ट्स अवार्ड हैज़ बीन रिनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? बहुत बेसिक सवाल है। इनका नाम ध्यानचंद क्यों है? तो इनका नाम ध्यानचंद नहीं था, मगर ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करा करते थे, इसीलिए इनका नाम दोस्तों ने चांद रख दिया और आगे जाके इनका नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद। आप जानते होंगे इस बात को, बहुत मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था 1905 में। 1905 में जन्म कहाँ हुआ था? अलाहाबाद में। ये वही अलाहाबाद है जिसका नाम आज की डेट में प्रयागराज है। ठीक, पहले प्रयागराज हुआ करता था, फिर अलाहाबाद हुआ, पहले फिर अलाहाबाद हुआ, फिर अलाहाबाद हुआ, और अब दोबारा से क्या हो गया? दोबारा से हो गया प्रयागराज। 1905 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना कौन सी तारीख को हुआ था, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है सालाना राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसीलिए मनाया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके अलावा 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे के रूप में भी जानते हैं। और ये वाला स्पोर्ट्स डे जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन 1980 को, मतलब 6 अप्रैल 1980 को स्थापना की गई थी। किसकी? 6 अप्रैल 1980 को स्थापना करी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। सवाल का जवाब क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा राजीव गांधी पुरस्कार आईटी सेक्टर में शुरू किया गया है मुंबई के द्वारा। राजीव गांधी पुरस्कार अवार्ड आईटी सेक्टर में शुरू किया गया है मुंबई के द्वारा, मतलब बॉम्बे महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी पुरस्कार शुरू करा गया राजस्थान के द्वारा। ये दोनों याद रखना, ये दोनों ही सवाल एग्जाम में बन सकते हैं इंपॉर्टेंट के रूप में। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 25 लाख दिए जाएंगे, बहुत बढ़िया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द 105-year-old जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI? वो बोल रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक सवाल और पूछूंगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ 105-year-old जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? 105 साल पुराना संस्थान है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, माइन आईपी, नुपुर चतुर्वेदी, नेहा पारिक या फिर धृति बैनर्जी। चलिए जवाब दीजिए भाई फटाफट से। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। राजीव गांधी खेल रत्न वाला पुरस्कार आपके सामने हो गया। ठीक है, पहली बार कब दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 1991-1992 में दिया गया था। किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। कैश प्राइस कितना दिया जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं 25 लाख दिया जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, अगर बात करें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है क्या? आप सभी लोग जानते हैं स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे कंट्री के लिए हॉकी में, ध्यान रखना भाई ये बात। ठीक, मतलब हॉकी में 3 गोल्ड मेडल उनकी वजह से हमें मिले हैं। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब रहेगा धृति बैनर्जी। बस आप मुझे बता दीजिए ZSI की जो हेडक्वार्टर है ना, जो इसका मुख्यालय है, वो कहाँ पर मौजूद है? एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, बाकी सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज, दोबारा से, रीअपॉइंट मतलब दोबारा से, एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? मेनिका गांधी, रेखा शर्मा, रेखा श्रीवास्तव या फिर राखी बिदलान? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएं तो। किसे अपॉइंट किया गया है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1990 अधिनियम के माध्यम से 1992 में स्थापना की गई थी। 1990 अधिनियम के माध्यम से 1992 में
NCW मतलब नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना करी गई थी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब कानूनी आयोग है, जनवरी 1992 में इसकी स्थापना करी गई थी, अगर महीना पूछ जाए तो भाई साहब जनवरी 1915 का महीना टिक कर देना जहाँ इसकी स्थापना करी गई थी। अगर बात करें अभी जिन्हें रीअपॉइंट किया गया, उन्हें रीअपॉइंट किया गया 7 अगस्त 2021 को, 7th ऑफ अगस्त 2021 को इन्हें रीअपॉइंट किया गया, इससे पहले इन्हें बनाया गया था 2018 में, 2018 के आसपास। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब है रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ ट्रैक अ फील्ड ओलंपिक इवेंट। ट्रैक और फील्ड ओलंपिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, द्युति चंद, आरोक्य राजीव, संदीप कुमार या फिर नीरज चोपड़ा, बताइए भाई। हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक इवेंट, इस प्रकार से आएगा सवाल, 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए दीजिए भाई जवाब। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ये खिलाड़ी मात्र 23 साल के हैं, 23 इयर्स इनकी एज है, 23 साल के खिलाड़ी हैं। अगर सवाल समझ ना आए तब भी दिमाग लगा के अगर जवाब देना चाहोगे तो भी सवाल का जवाब नीरज चोपड़ा ही मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो किस में जीता, जैवलिन थ्रो में जीता इन्होंने मेडल, जैवलिन थ्रो में इन्होंने मेडल जीता, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितनी दूर तक फेंका इन्होंने भाला, कितने मीटर्स तक इन्होंने भागा फेंका, इसका जवाब फटाफट से दीजिए। इसके अलावा 7 अगस्त को अब सालाना मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे, 7 अगस्त को सालाना मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे, ये बात बोल दी गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इसके हाथ में अभी हमारे समय मतलब अभी मौजूदा समय में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन मिलेंगे, तो अनुराग ठाकुर, उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले थे किरण रिजिजू, अभी कौन है, अभी है अनुराग ठाकुर मौजूदा समय में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक। 87.58 मीटर, बहुत बढ़िया, कितना दूर फेंका, तो 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंक दिया, ध्यान रखना। इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स में भी हमें बहुत सारे मेडल मिले हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, जैपनीज टाउन टोक्यो हैज हैंडेड ओवर द फ्लेम ऑफ द होप टू विच सिटी दैट विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024। वो बोल रहा है जापानी शहर टोक्यो ने किस शहर को आशा की ज्योति सौंपी है, मतलब फ्लेम ऑफ होप, फ्लेम ऑफ होप भाई साहब वो जो ज्योत वो होती है ना, मशाल जिसे कहते हैं हम, ओलंपिक मशाल, उसी की बात कर रहा है। तो फ्लेम ऑफ होप सौंप दी गई है, मतलब दे दी गई है किसी और सिटी को। अब सवाल ये है वो कौन सी सिटी है जो 2024 में होस्ट करेगी ओलंपिक। सवाल की लैंग्वेज देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी गजब लैंग्वेज है अगर ध्यान से पढ़ोगे, ठीक। जवाब दीजिए भाई, लंदन, पेरिस, बर्लिन या फिर मैड्रिड, बेसिक सवाल है कि बिल्कुल बेसिक सवाल है, चलिए चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा लेंगे ना तो इजीली सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जवाब देने की कोशिश कीजिए, लंदन, पेरिस, बर्लिन या फिर मैड्रिड, चलिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बेसिक सवाल है, मतलब बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है, अगर हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो एक मिनट का भी काम नहीं है, ठीक। अगर हल्का सा भी काम लगाएंगे तो एक मिनट का काम नहीं है, एक सिंगल मिनट का। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब पेरिस है, हम सभी लोग जानते हैं। 2024 वाले ओलंपिक्स किस कंट्री में करवाए जाएंगे, तो 2024 वाले ओलंपिक्स जो है वो फ्रांस में करवाए जाएंगे, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो टोक्यो ने किसे सौंप दिया, टोक्यो ने सौंप दिया भाई साहब पेरिस को, तैयारी शुरू हो चुकी है आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा 2022 के जो विंटर ओलंपिक करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे चाइना में, ये वाला सवाल भी याद रखना, इससे भी सवाल बनने के चांसेस हैं। अभी हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स का 13th सम्मेलन हुआ है जिसकी मेज़बानी भारत ने करी है, भारत ने करी है ऑनलाइन तरीके से, उसमें ये वाला सर्कुलर जो है वो भी पास हो गया कि आप ओलंपिक करवाइए, विंटर वाले चाइना करवाइए, हम पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर आएंगे। पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका बॉयकॉट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, और भारत भी मतलब क्वाड कंट्रीज जो हैं, जापान भी बॉयकॉट कर सकता है और भारत भी बॉयकॉट कर सकता है, मगर भारत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, इंडिया स्टूड एट व्हाट पोजीशन इन द मेडल टेबल ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 आउट ऑफ 86 कंट्रीज। वो बोल रहे हैं 86 देशों में से, मतलब जो 86 देश जिन्हें कोई ना कोई एक मेडल मिला है उसमें से भारत का स्थान क्या रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 2021 में करवाए गए, 42वां, 45वां, 48वां या 56वां, आप सभी लोग जानते हैं। भारत को कुल मिलाकर कितने मेडल मिले हैं, भारत को कुल मिलाकर 7 मेडल्स मिले हैं,
जिसमें से एक मेडल है गोल्ड, दो मेडल है सिल्वर और इसके अलावा चार मेडल है ब्रॉन्ज। तो ये हो गया सिल्वर, ये हो गए ब्रॉन्ज चार, और ये हो गया एक गोल्ड मेडल। गोल्ड किसने जीता? नीरज शर्मा ने। सिल्वर किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने जीता, किस में जीता? भारोत्तोलन में जीता, वेट लिफ्टिंग में जीता। इसके अलावा एक मेडल जीत के लाए रवि ढैया, किस में जीता? तो भाई साहब जीता कुश्ती में, कितनी कैटेगरी में? 57 kg कैटेगरी में। चार मेडल यहाँ मिले, एक जीता पीवी सिंधु जी ने, एक मेडल जीता हॉकी में, एक मेडल जीत के लाए बजरंग पुनिया, और एक मेडल मिला लवलीना जी को। एक मेडल मिला लवलीना जी को, ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल सकते हैं। इसीलिए कौन सी कैटेगरी में जीता? बॉक्सिंग में। कितने वेट में बॉक्सिंग कर रही थी? 69 kg में। वैसे 64 से लेकर 69 ऑप्शन में दे रखा हो तो ये टिक कर देना, मतलब ऐसे ऑप्शन में दे रखा हो 65 से 70, 64 से 69, तो ये टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक, भारत का स्थान क्या रहा? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है। चलिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, आप इजीली मतलब आंख बंद करके भी अगर जवाब देंगे ना तो भी टैकल हो जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा 48वां नंबर। 48 नंबर पे रहा भारत, 48वें नंबर पे रहा भारत। कितने किसको मेडल मिले मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे कौन रहा आप सभी लोग जानते होंगे, पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा चाइना। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जापान चौथी बार होस्ट कर रहा था, ये भी याद रखना। जापान चौथी बार होस्ट कर रहा था, जापान ने 64 में होस्ट किया था, 72 में किया था, 98 में किया था और 2020 में कर लिया। 64, 72, 98 और 2020, भारत ने कितनी बार होस्ट किया ओलंपिक को आज तक? तो आप जवाब दोगे शून्य, क्योंकि जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने और मेरे भारत ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विद विच कंट्रीज नेवी, द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज टाइटल ज़ियाद तलवर 2021। वो बोल रहा है भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ ज़ियाद तलवर 2000, ज़ियाद तलवार भी आप बोल सकते हैं, ज़ियाद तलवार 2021 शीर्षक से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास किया है? नेवी वाला। नेवी वाली आप समझते होंगे भाई, शिप वाली बात हो रही है, पानी की शिप वाली बात हो रही है। तो नाम क्या है? नाम है ज़ियाद तलवार 2021। किस देश के साथ किया है? ओमान के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ या फिर सऊदी अरेबिया के साथ? चलिए भला मानिए, तीन नहीं आया बीच में, वरना गाना बन जाता, 1 2 3 4 5 6, फिर तुम गाना गाते हुए डोलते। कह रहे गाना याद कर लिया सर हमने, पूरा पेपर में गाना याद कर लिया, सीधा टिक करके आएंगे एग्जाम में। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। कहाँ पर करवाया गया? कोस्ट ऑफ अबू धाबी में। कहाँ पर करवाया गया? तो कोस्ट ऑफ मतलब कोस्टल वाला जो क्षेत्र है ना अबू धाबी का, अबू धाबी का जो कोस्टल वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये एक्सरसाइज करवाई गई, ज़ायद तलवार नाम से एक्सरसाइज करवाई गई। किस कंट्री में करवाई गई? बेसिक सा सवाल हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नाम क्यों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है? क्योंकि 7 एमिरेट्स को मिलाकर बनाया गया। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं आईपीएल का जो सीज़न है आज शुरू हो गया है, कहाँ पर हो रहा है? यूएई में हो रहा है। पहला मैच कौन से स्टेडियम में हो रहा है या कौन सी जगह पर हो रहा है ये बता दीजिए बस। ये जो फर्स्ट मैच हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है, बन सकता है सवाल। आईपीएल से सवाल बनते हैं एग्जाम में, और स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमटीएस में भी और जीडी में भी, इवन स्टैनो में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन कन्फर्ड विद द 7 नेशनल अवार्ड ऑन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड 2021 ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 34th फाउंडेशन डे ऑफ द ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ट्राइब्ड। ट्राइब की फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, ट्राइब की फुल फॉर्म लिखी हुई है, ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर किस राज्य सरकार को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बड़े तरीके से लिख रखा है, लैंग्वेज पूरी लिख दी उसने क्वेश्चन की, मगर क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, मैं स्टैटिक जीके वाला मेरे पास रहता है टॉपिक, ठीक है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी वाला टॉपिक मेरे पास रहता है, करंट वाला सेक्शन मैं संभाल लेता हूँ, हिस्ट्री वाला सेक्शन भी मैं संभाल लेता हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने में कैपेबल हूँ, जिसमें से आपको 100% मैं गारंटी दूंगा कोरे कागज पर साइन करके कि कुछ मिले ना मिले मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब वो है जिसे हम बोलते हैं त्योहारों की भूमि, फेस्टिवल लैंड, लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में जिसे जाना जाएगा ना, जिसे जाना जाएगा लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में,
जिसे जाना जाएगा लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में, जिस राज्य को, वही है इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है नागालैंड। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त सवाल है। सारे के सारे जो राज्य आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है नागालैंड। नागालैंड को ही बोला जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से, बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे बनने के चांसेस रहेंगे पूर्णतः प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सेवंथ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। वो बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सेना, सेना का जो खेल है ना, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का सातवां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा। चलिए भाई बताइए, इसका जो सातवां संस्करण है वो किस देश में किया जाएगा, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से। ये जो अवार्ड दिए गए थे ट्राइबल मिनिस्टर, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री वाले अर्जुना मुंडे के द्वारा पुरस्कार दिए गए थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिए गए थे। मतलब वो जो ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन सम्मेलन किया गया और उसमें अवार्ड बांट दिए गए अर्जुना मुंडे के द्वारा, ट्राइबल मिनिस्ट्री वो संभाल रहे थे। ठीक, चलिए क्या रहेगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन है रशिया, यूएसए, जापान या फिर चाइना। बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का जवाब है रशिया। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, रशिया में बैठे हुए व्लादिमीर पुतिन। रशिया की राजधानी आपको मॉस्को मिल जाएगी, करेंसी आपको रूबल मिल जाएगी। हाल फिलहाल में रशिया ने घोषित किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना उसके पास, उसने डॉलर को खत्म हो गया उसके पास बिल्कुल। तो उम्मीद की जा रही है कि जो चाइना की करेंसी है ना वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, इसीलिए उसने जीरो मान लिया था। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछूंगा, चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किस देश को दे रखा है? चलिए, चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किस देश को दे रखा है, ये सवाल वैसे ही जानकारी के लिए आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए जवाब दीजिए भाई, चाइना ने सबसे ज्यादा कर्जा किस कंट्री को दे रखा है? दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा कर्जा चाइना ने प्रदान कर रखा है? उस सवाल का जवाब क्या रहेगा? तो उस सवाल का जवाब रहेगा रशिया, ध्यान रखना। उस सवाल का जवाब क्या रहेगा? उस सवाल का जवाब रहेगा रशिया, सबसे ज्यादा कर्जा चाइना ने रशिया को दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु हैज ऑथर द बुक टाइटल हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तुम्हारे वाला नाम लिखा होता है यहाँ पे, हाउ शी गॉट इट्स ब्यूटी या हाउ ही गॉट्स इट ब्यूटी, उसके लिए भी वैसे ब्यूटी यूज कर पाओगे आप तो। ठीक है, तो हु हैज ऑथर द बुक टाइटल हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी 100 या 200 के आसपास बुक्स करा चुका हूँ तुम्हें। चलिए, चित्रा बैनर्जी, दिव्या करुणी, जुम्पा लहरी, सुधा मूर्ति या फिर अरुंधति रॉय। ये सवाल पहले भी करवाए हैं आपको, अगस्त महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, रिविजन सेशन चल रहा है। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको बहुत सारे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ना। और ये जो रशिया वाला सवाल आपने पढ़ा है ना, सातवां जो उसका आयोजन करवाया गया है, पहली बार कब हुआ इसके हिसाब से अगर काउंट कर लिया जाए तो 2015 में। सेवन्थ अगर वो गेम्स थी ना मिलिट्री गेम्स, तो अगर पूछ लिया जाए ये जो सातवीं मिलिट्री गेम्स करवाई गई रशिया में, इसका पहला संस्करण कौन से साल में करवाया गया था? 2015 में, 2015 में, ध्यान रखना। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बहुत बेसिक सवाल है, मैंने पहले भी पढ़ाया इस सवाल को। सवाल का सही जवाब रहेगा सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, मतलब कैसे पृथ्वी ने अपनी सुंदरता गेन करी, हाउ अर्थ गॉड्स इज ब्यूटी। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा सुधा मूर्ति। अच्छा सवाल है, इन्फोसिस की फाउंडेशन मेंबर है, अगर आप देखें तो इन्फोसिस की चेयरमैन मिल जाएंगे, सुधा मूर्ति इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। ठीक, सुधा मूर्ति इज द चेयरमैन ऑफ, सुधा मूर्ति इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। इन्फोसिस फाउंडेशन की आपको चेयरमैन मिल जाएंगी है, सुधा मूर्ति इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन। ये पॉइंट भी याद रखना, पूरे पॉइंट के चांसेस बनेंगे एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल है विच पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैज इंडक्टेड टू वुमेन ऑफिसर्स, प्रकृति एंड दीक्षा, एज अ कॉम्बेट ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम। दोबारा पढ़िए सवाल, अच्छा सवाल है तो उसको दोबारा पढ़िए। किस अर्ध सैनिक बलों ने पहली बार दो महिला अधिकारियों को, प्रकृति और दिशा को, लड़ाकू अधिकारी के रूप में शामिल किया है? मतलब पहला पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज आप जानते हैं, लड़ाकू जवान के रूप में वो बात कर रहे हैं कि लड़ाकू अधिकारियों के रूप में उन्हें शामिल किया है किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज ने? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 25वें नंबर का क्वेश्चन जो जिता सकता है तुम्हें एक बेहतरीन सी नौकरी। चलिए, उसके बाद नौकरी के बाद तो तुम जानते हो क्या होगा। हाँ, मैंने अच्छा करंट वाली बुक्सेस भी आपको अलग से करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। सवाल का सही जवाब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नाम ध्यान रखना, प्रगति और दीक्षा, मान लीजिए इतना नहीं लिखेगा ऊपर वो,
वो डायरेक्ट बोलेगा कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में निम्नलिखित में से किन महिलाओं को ज्वाइन करवाया गया है ऑफिसर के रूप में, कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे देगा, प्रकृति, दीक्षा, इंदु या कुछ भी नाम दे देगा वो, और आपको पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ऊपर के दोनों ऑप्शंस ठीक है। नाम क्या है? नाम है प्रकृति और दीक्षा। अरे अपने हिसाब से याद रख लो भाई, तुमने तो बहुत सारी चीज़ें याद रखी हैं जीवन में। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर इंडियन इंटरनेट गवर्नर फोरम टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन अक्टूबर 2021 टू ब्रिंग टूगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इंटरनेट पॉलिसी इश्यूज। वो बोल रहा है इंटरनेट नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधित्व को एक साथ लाने के लिए अक्टूबर 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नर फोरम्स का विषय क्या है। ध्यान रखना पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है, सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि सबसे पहला इंडिया इंटरनेट गवर्नर फोरम्स गवर्नेंस फोरम जो है वो किस कंट्री में होस्ट हो रहा है, तो ये मत लगा देना चाइना में करा रहे हैं या साउथ कोरिया में करा रहे हैं, फ्रांस में करा रहे हैं, कौन होस्ट कर रहा है? हम ही होस्ट कर रहे हैं। थीम क्या है उसकी? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर रूरल इंडिया, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर मॉडर्न इंडिया, या फिर इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर ग्रोइंग इंडिया। डिजिटल भारत के लिए समावेशी इंटरनेट, ग्रामीण भारत के लिए समावेशी इंटरनेट, आधुनिक भारत के लिए समावेशी इंटरनेट, या फिर बढ़ते हुए भारत के लिए समावेशी इंटरनेट। चलिए वहां पे फोर्स का नाम लिखा हुआ तो हुआ था पूरा का पूरा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स लिखा तो हुआ था भाई साहब, सीएबीएफ वो एग्जाम दोगे ना जीडी वाला, तो उसमें आपको सारी पोस्ट समझ आ जाएंगी कौन सी पोस्ट क्या है। ठीक, पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई थी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पुलिस क्या है। चलिए इसलिए तो फुल फॉर्म सारी की सारी वहीं पढ़ दी, अगर मान लीजिए वहां पे केवल आईटीबीपी लिखा होता तो मैं मानता कि आपका डाउट रहेगा, मगर जब वहां पे पुलिस, एक पुलिस बल आ गया वहां पे, तो फिर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सी सीमा की रक्षा करते हैं, तो मैं जवाब दूंगा एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वो बात कर रहा है, इंडिया और चाइना के बीच जो मिलेगी। ठीक, अब ये सवाल आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदू 2021 विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली बार नौसैनिक अभ्यास, ये नौसैनिक का मतलब आप समझ रहे हो नेवी की बात कर रहा है, नेवल की बात कर रहा है, अभ्यास अल मोहित अल हिंद 2021 आयोजित किया है, पहली बार आयोजित किया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100% नहीं 1000% कह रहा हूं, मेरा नाम लिख के रख लो, ये सवाल एमटीएस के एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा कि भारत किस देश के साथ ये वाले एक्सरसाइज करता है अल मोहद और अल हिंदू, यूएई के साथ, ईरान के साथ, ओमान के साथ, या सऊदी अरेबिया के साथ। चलिए क्या होगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ये वो कंट्री है जहां पर 2020 में 20वां G20 समिट करवाया गया था, ये वो कंट्री है जहां पर 2020 में 20वां G20 समिट करवाया गया था। ठीक, चलिए 2020 में G20 समिट करवाया गया था, ये वो वाली कंट्री है। आप तो दे दीजिए सवाल का जवाब, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब। सऊदी अरेबिया ने जब G20 समिट करवाया था तो एक 20 रुपये का नोट जारी करा था, उस 20 रुपये के नोट पे भारत का नक्शा गलत छपा था, उस नक्शे को लेकर भारत ने बहुत ही ज़्यादा विवाद उठाया था और बोला था कि आप कैसे छाप सकते हैं हमारा गलत नक्शा, हमारा गलत मैप छाप दिया था। ठीक, 2021 वाला G20 समिट कहाँ पर करवाया जाएगा? कई बार पढ़ाया है, इटली में। ठीक, इटली में। इसके अलावा 2022 वाला इंडोनेशिया में, इसके अलावा 2023 वाला इंडिया में, 2024 वाला कहाँ कराया जाएगा? 24 वाला करवाया जाएगा ब्राज़ील में। ये पॉइंट याद रखना, सवाल जरूर बनेगा यहाँ से, सवाल का जवाब है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स विच मेजर द स्टेटस ऑफ यंग पीपल इन 181 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिलीज बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। सवाल है 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है जो राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी की जाती है 121 देशों में युवाओं की स्थिति को मापते हुए, मतलब तुम युवा हो तो तुम्हारी स्थिति को मापते हुए जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है ना वो एक जारी करेगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है। सवाल ये है उसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम क्या है 181 कंट्रीज में से।
अब मान लीजिए इस सवाल को मैं पहले ऐसे पढ़ाता कि इसमें टॉप किसने किया, फिर बताता कितनी कंट्रीज में से किया, फिर बताता किसने भाई ये रिपोर्ट बनाई, तो मैं बड़ा वो बनाता, हाइप बना देता इससे कि बताइए मैं 5 बार सवाल कर रहा हूँ। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि एक ही में लिख दिया, मैंने पूरा सवाल लिख दिया, एक सवाल ये हो गया। मान लीजिए सवाल आ गया ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है कौन बनाता है, तो आप जवाब देंगे कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज की जाती है। कितनी कंट्रीज पे, 181 कंट्रीज पे ये सर्वे किया जाता है उसके द्वारा। किसके लिए, तो ग्लोबल यूथ की जो कंडीशन है ना उनको देखते हुए रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए जवाब दीजिए भाई, किसने टॉप किया, बोल दीजिए हम टॉप कर गए। इससे पहले आपने सवाल देखा था सऊदी अरेबिया वाला, वो अल मोहित अल हिंदू वाला, कौन सा एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी, भारत की तरफ से कितने पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलोगे सर एक इंडियन नेवल शिप ही पार्टिसिपेट करेगी, मतलब एक INSC पार्टिसिपेट करेगी, वो अल मोहित अल हिंदू वाला जो सऊदी अरेबिया वाला सवाल था, ठीक है। उसमें एक पॉइंट और डाल देना कि किस शिप ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, किस नेवल शिप ने, INS कोची ने, भारत की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS कोची ने पार्टिसिपेट किया, अबू धाबी के आसपास ही करवाई गई थी ये, ठीक। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब रहेगा सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी क्या रहेगी, सिंगापुर की राजधानी रहेगी सिंगापुर सिटी। भाई साहब ये सभी चीज़ें याद रखना, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये सभी चीज़ें याद रखना, सिंगापुर ने टॉप किया, उसके साथ में कौन मतलब उसको फॉलो किया, स्लोवेनिया ने, माल्टा ने और डेनमार्क ने। इसके अलावा अगर बात करें बॉटम पे कौन रहा, तो चैड एक अफ्रीकन कंट्री है, चैड एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकंड टॉप, मतलब 181 पे चैड रहा, 180 पे सेंट्रल अफ्रीकन रहा, उसके अलावा साउथ सूडान रहा, फिर अफगानिस्तान रहा, नाइजर, ये सब बॉटम पे रहे। बस ये बता दीजिए भारत का स्थान क्या है, ठीक है, इस लिस्ट में भारत का स्थान क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, मुझे इतना जवाब दे दीजिए। बाकी दोनों प्रकार के जवाब मैंने आपको दे दिए, टॉप करने वाला भी बता दिया, सबसे नीचे आने वाला भी मैंने आपको बता दिया, भारत का स्थान क्या रहा मुझे ये जवाब दे दीजिए। चलिए इंडिया 122वें नंबर पे रहा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, किस रेंज के लोगों में करवाया जाता है, तो आप जवाब दोगे सर 15 साल से लेकर 29 साल की उम्र के लोगों में ये सर्वे करवाया जाता है, ठीक। भारत का स्थान 122, ये आप बता रहे हैं 122 नंबर पे रहा। हु हैज ऑथर द बुक टाइटल द ईयर दैट वॉजेंट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड, द ईयर दैट वॉजेंट द डायरी ऑफ द 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, ब्रिशा जैन ने लिखी है, शबाना आजमी ने लिखी है, अरुंधति रॉय ने लिखी है, या फिर रिजुला दास ने लिखी है। 2021 अगस्त के महीने की किताब है, जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा सवाल है भाई साहब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ये जो किताब लिखी गई है 14 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई है, ये जो किताब लिखी गई है 14 ईयर्स की गर्ल के द्वारा लिखी गई है, 14 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई है, जब उसने पैंडेमिक देखा, उस पैंडेमिक को देखकर उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम आपके सामने है द ईयर दैट वॉज एन द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड, एक 14 साल की लड़की के द्वारा किताब लिखी गई है, ठीक है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, और इस किताब को लॉन्च किया गया है वेटरन एक्टर, मतलब एक्टर के द्वारा जिनका नाम है शबाना आजमी। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिशा जैन के द्वारा, 14 साल की लड़की है जिनके द्वारा किताब लिखी गई है, किताब को लॉन्च किसने किया है, शबाना आजमी ने। दोनों सवालों के जवाब मैंने आपको दोनों तरीके से दे दिए हैं, प्लीज ध्यान से ध्यान रखना, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु हैज ऑथर द बुक टाइटल अ डेथ इन शोनागाची, आ डेथ इन शोनागाची नामक पुस्तक किसने लिखी है। चलिए भाई अपना सोना निकाल लेना भाई इसमें से, गोल्ड, ठीक है। क्या रहेगा सवाल का जवाब, ब्रिशा जैन, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किताब है, किताब का नाम है आ डेथ इन शोनागाची, ब्रिशा जैन के द्वारा, शबाना आजमी के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा, या फिर रिजुला दास के द्वारा। चलिए जवाब दीजिए भाई, किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अच्छा सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शॉर्ट स्टोरी है भाई, ठीक। ए तो सभी ए मत कर देना इसका जवाब, ए तो करना मत, ब्रिशा जैन, वो तो आप दे चुके हो सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब है रिजुला दास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है सिंगापुर में इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी है इस चीज की, इसके अलावा इतना ही काफी है, सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। सवाल का जवाब रिजुला दास है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल है
नेम द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हु हैज लॉन्च पीएम दक्ष पोर्टल, पीएम दक्ष मोबाइल ऐप अंडर द स्कीम पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्री योजना टू ईज द असेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्किल्स बाय द टारगेट ऑफ ग्रुप्स। वो बोल रहा है वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकृति मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कौशल विकास योजना की पहुंच को आसान बनाने के लिए पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपूर्ण हितगिरी योजना के तहत पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म याद रखना पीएम दक्ष की, यहाँ से पीएम दक्ष की फुल फॉर्म आपके सामने दे रखी है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितगिरी, फुल फॉर्म आएगी एग्जाम में, हाईलाइट कर लीजिए इसे जितना मैं बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर लीजिए भाई, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स खुद क्वालिफाई किए हैं इसलिए बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना हाईलाइट कर लीजिए। यामिनी जी यहीं खड़ा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी कमेंट कैसे देख पाऊँगा? ठीक, बस मैम मैं आपकी कमेंट अगर देखूँगा तो पढ़ाएगा कौन, समझ रहे हो? चलिए फुल फॉर्म याद रख लेना, आप जवाब दीजिए कौन है मंत्री, ठीक है मिनिस्टर बता दीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पूरा का पूरा क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, बस केवल आपके सामने मंत्री का नाम रखा है स्टैटिक जीके पे, केवल और केवल आपके सामने मंत्री का नाम रखा है स्टैटिक जीके पे ताकि सवाल बन जाए स्टैटिक जीके पे। सवाल का जवाब है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर ए, सवाल का जवाब वीरेंद्र कुमार है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पीएम दक्ष की फुल फॉर्म याद रहेगी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितगृही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द डुरंड कप एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। अब भाई साहब एग्जाम में सवाल पता है क्या आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा दुरंड कप का संबंध किससे है, एग्जाम मैं सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ 9 सितंबर 2021 को, उससे पहले भी एक आधी क्लास में 150 क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने, सारे के सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक एकदम क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक, तो दुरंद कप का संबंध किससे, आप जवाब दोगे सर फुटबॉल से, आपने इसी में लिख दिया। संतोष ट्रॉफी कप का संबंध किससे, आप जवाब दोगे सर फुटबॉल से ही है। अब वो बोल रहा है कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2021 में होने वाले एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट दुरंद कप की मेजबानी करेगा, शिमला, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर जयपुर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, मेरा पूरा फोकस है कि भाई स्टैटिक जी के आधारित भी सवाल बन जाए और करंट अफेयर आधारित भी सवाल बन जाए। पांच सितंबर के आसपास शुरू हो सकता है भाई, 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक कराया जाएगा सीधा साफ, डेट देख ही रहे हैं क्या पढ़ रखी है आज, 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक कराया जाएगा। अब सवाल ये है कहाँ पे करवाया जाएगा, विजेता टीम पूछ सकता है, 130 साल पुराना खेल है, 130 साल पुराना मतलब 130th एडिशन है ये, 130वां इसका संस्करण है, 130वां एडिशन है, शिमला, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जयपुर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ठीक है, जैसे हमारे देश में जैसे हम अपना देखें तो हम क्रिकेट के फैन हैं, इसी प्रकार से अगर आप कोलकाता वेस्ट बंगाल जाएंगे ना तो वहाँ पर भाई साहब लोग आपको ज़्यादातर फैन मिलेंगे फुटबॉल के। सवाल का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। इंपॉर्टेंट है जितने पॉइंट्स बनते हैं मैंने लिख दिया, 130 साल पुराना है, किससे संबंधित है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी कप का संबंध किससे है उसका भी फुटबॉल से है, 130वें नंबर का एडिशन है, कहाँ करवाया जाएगा कोलकाता में, विजेता पढ़ के जाना पड़ेगा पूछेगा वो। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इन विच इंडिया स्टूडेंट 122nd ग्लोबली अमंग द 181 कंट्रीज। अब आप खुद देखिए कि मेरी दूरदृष्टि अच्छी है या नहीं। देखिए ये पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको पढ़ाया कि किसने टॉप किया किसने टॉप नहीं किया, मैंने आपको बताया सिंगापुर ने टॉप किया, चैड लास्ट नंबर पे रहा, अफगानिस्तान ये सब साथ में रहे मतलब लास्ट में रहे। कितनी कंट्रीज में करवाया गया, 181 कंट्रीज में ये सर्वे करवाया गया, किसका करवाया गया, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट का। क्या देखा गया, 15 से लेकर 29 साल के जवान मतलब युवाओं में देखा गया कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, इन सब चीज़ों को लेकर एक सर्वे करवाया गया। उसमें भारत का स्थान क्या रहा, 122 नंबर में रहा भारत। ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई, मैंने वहीं पढ़ा दिया ये क्वेश्चन, आप सबके सब जवाब दीजिए इस सवाल का। चलिए चलिए
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर। सवाल है, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। वो बोल रहा है किस राज्य ने, पुलिस ने, किस राज्य की पुलिस ने देश की अपनी तरह का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च को लॉन्च किया है। ड्रोन फोरेंसिक लैब मतलब फोरेंसिक लैब के बारे में आप जानते होंगे, और सालुके के बारे में आपने देखा होगा CID, जिसमें बोलता है सालू के दाल में कुछ काला लग रहा है, ठीक है ना, फिर बोलता है पूरी की पूरी दाल ही काली है, तो काली दाल और भाई साहब राजमा डाल के बनाइए, चावल मिला के खाइए ज़बरदस्त तरीके से, ऊपर हरी चटनी डाल के। और इस सवाल का दीजिए जवाब, वो कौन सा राज्य जिसने ये लॉन्च किया है, कर्नाटका, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। कर्नाटका में बोमानी आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, तेलंगाना में आपको कौन बैठा हुआ मिलेगा जल्दी बताइए, केरल में आपको पिनारायण विजयन मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे जगमोहन रेड्डी। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत मतलब मान लीजिए कि आने ही आने एग्जाम में सवाल, ठीक। जितने विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बहुत सही आप जवाब दे रहे हैं। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब केरल पुलिस है। सर आप तेलंगाना को किसी और तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। तेलंगाना में एक वो खोला गया था ट्रांसजेंडर वाला, आपको मैंने पढ़ाया था उसके बारे में, ठीक। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब केरल है। केरल में एकमात्र मतलब भारत का अपनी मतलब इस तरह का पहला ये खोला गया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर, ऑप्शन है केरल। सवाल का जवाब केरल है। केरल में आपको बैठे हुए मिलेंगे पिनारायण विजयन, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया। तेलंगाना जो दे रहा है उन सभी का गलत है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है केरल, ठीक है। कौन इस्तेमाल करेगा? केरल पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी। ये थोड़ी कि तुम घर में बैठ के कह रहे हम भी खेलेंगे CID, अब CID खेलेंगे हम भी। सवाल का जवाब केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टाइटल एज अ तपस। सबसे पहले तपस की फुल फॉर्म याद रखिए। वो बोल रहा है किस मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के लिए एक क्षेत्र में मुफ्त फिल्माए गए व्याख्यान, पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। ये जो तपस है इसकी फुल फॉर्म क्या है, या तपस जो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्म्ड लेक्चर कोर्स ई स्टडी मटेरियल इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। वो बोल रहा है कि किस मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में मुफ्त फिल्माए गए व्याख्यान, मतलब वो मुफ्त फिल्माए गए जो मूवीज के जैसे सीन होते हैं ना वैसे कुछ, कि सेल्फ डिफेंस आप कैसे करेंगे। उसके अलावा ई अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक आपको सामग्री प्रदान की जाएगी जैसे हम प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्या नाम है तपस नाम है, उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए परीक्षण नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, डेवलपमेंट रूरल या फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फॉरेंसिक लैब वाला आप समझते होंगे उम्मीद करता हूं मैं, जब थबूत वबूत इकट्ठे करने की बात होती है वो वाले फॉरेंसिक लैब, बहुत बेसिक सी चीज है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए भाई, आज इससे संबंधित आप दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल का जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके जैसा एक सवाल और पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी से बताइए फटाफट करके, इसके मौजूदा मंत्री कौन है, करंट मिनिस्टर कौन है? इसके मौजूदा मंत्री कौन है, करंट मिनिस्टर कौन है इसके मौजूदा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। फॉर द एक्सपीडिशन ऑफ विच ग्लेशियर द ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, यहाँ से टिक कर लीजिए, सीधा एग्जाम में सवाल आएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है। और तुम बोल दोगे लग रहा है पानी में मछली पकड़ने की बात हो रही है, ब्लू कह रहे, ब्लू मतलब रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, नीली क्रांति मतलब मछली पालन, तो ये वाला दिमाग कम लगाना पेपर में। हैज बीन लॉन्च फ्रॉम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे। किस ग्लेशियर के अभियान के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने नई दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को लॉन्च किया है? सवाल सीधा आएगा एग्जाम में, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? अब विद्यार्थी ज़्यादा समझदार होगा तो वो सीधा लगा के आएगा मछली पालन, और कम समझदार होगा पढ़ रखा होगा तो लगाकर आएगा कि संबंध है ग्लेशियर से, क्लियर। अब कौन से ग्लेशियर से ये बता दो, सियाचिन, बल्टारो, जेमू या फिर पिंडारी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। ब्लू फ्रीडम, अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर आपको ये मिलेगा जो इस सवाल का जवाब है, ठीक है। ये जो सियाचिन वाला बॉर्डर है वो भारत का किसके देश के साथ लगता है? चलिए ये जो सियाचिन वाला बॉर्डर है वो भारत का
किस देश के साथ लगता है? आप इतना ही बता दीजिए। सवाल का जवाब है सियाचिन, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा ये ग्लेशियर सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए है पिंडारी, मत लगा देना, मतलब ऐसे गिनो कहीं कर। अच्छा पिंडारी, खरा वो मूवी थी वीर, खरा पिंडारी लग रहा है, वहाँ से लाया, कुछ अलग नाम होगा इसका। ठीक, और भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में आप जानते होंगे, भीमराव रामजी अम्बेडकर जिनका जन्म हुआ था 1881 में, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, ठीक है जी, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, और 14 अप्रैल 2015 से घोषित किया गया नेशनल हॉलीडे, ये वाला बात याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंबेडकर जी के बारे में आप जानते होंगे, 29 अगस्त 1947 को इन्हें चुना गया था, किसका अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, और 14 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, पूरे चांसेस रहेंगे पूछे जाने के। पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ सीमा लगेगी ये वाली, ठीक, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से किसके साथ सीमा लगेगी, चाइना के साथ नहीं लगेगी, पाकिस्तान के साथ लगेगी। ठीक है, भारत की सीमा जो सियाचिन वाली है वो किस देश के साथ लगेगी? तो आप जवाब देंगे, सर ये सीमा लगेगी पाकिस्तान के साथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया है हाल फिलहाल में ये वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ब्रांड एंड लोगो सोन चिरैया फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन SHG प्रोडक्ट, शहरी SHG उत्पादों के लिए विपणन के लिए किस मंत्रालय ने ब्रांड और लोगो सोन चिड़िया लॉन्च किया है? बताइए भाई, ये सोन चिड़िया किसके लिए लॉन्च किया गया, SHG प्रोडक्ट के लिए, अर्बन SHG प्रोडक्ट के लिए, क्या रहेगा? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए भाई फटाफट से। भाई सब सही चल रहा है ना, चलिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ब्रांड एंड लोगो सोन चिरैया फॉर मार्केटिंग द अर्बन SHG प्रोजेक्ट, जो मार्केटिंग अर्बन SHG प्रोजेक्ट है उसके लिए जो लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, बस इतना ही पूछ रहा है वो। सवाल का जवाब क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये पीयूष गोयल के पास हुआ करती थी। ठीक है, मेरे को नए वाले मंत्रालय भी तुम्हें पढ़ाने हैं, पीयूष गोयल के पास हुआ करती थी ये वाला मंत्रालय कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसी में से दो मंत्रालय डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट वाला हो गया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु हैज रिलीज्ड इंडिगाओ, इंडिगाओ चिप विच इज इंडियाज फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स लाइक गिर, कंक्रीज, साहिवाल, ओंगले एक्सेट्रा। वो बोल रहा है गिर, कंक्रीज, साहिवाल, ओंगले आदि देशी गायों की नस्ल की शुद्धता किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो चिप किसने जारी करी है? भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो आपसे, पहले सीधा सवाल पूछेगा, वो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गायों की नस्लों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चिप जारी करी गई है? तो आप जवाब देंगे इंडिगाओ जो चिप है वो लॉन्च करी गई है। अब सवाल ये है किसके लिए लॉन्च करी गई है, किस किस किस्मों के लिए? तो ब्रीड्स लाइक गिर, कंक्रीज, साहिवाल और ओंगली इन एक्सेट्रा, जो ये कैटल ब्रीड है ना, इनके लिए जारी करी गई है। जारी किसने करी है सवाल ये है, नरेंद्र मोदी ने, जितेंद्र सिंह ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, या फिर संजीव कुमार बाल्यान ने, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नरेंद्र मोदी। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूरा पूरा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो। यहाँ पर ये उसने ब्रीड लिख दी, ठीक है, कैटल्स की ब्रीड लिख दी, इंडिगाओ चिप का नाम लिख दिया उसने, किसके लिए यूज करेंगे, तो गाय की जो वैरायटी है ना, कैटल्स की जो अच्छी वैरायटी है उनके लिए यूज करेंगे, उनको अलग करने के लिए। किसने लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। अगस्त महीने का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन रहा है यहाँ पर। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षित राजा बिलोंग्स टू विच स्टेट हु बिकम द 69th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हर्षित राजा किस राज्य से संबंध रखते हैं जो कि भारत के 69th वे ग्रैंड मास्टर बने? आप मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल आया
कि भारत के 69th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 69th नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 69th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, हर्षित राजा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आंसर सर्च करना होता है, ये तरीका है सही पढ़ने का। किस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान, चलिए किस राज्य से आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। पूरा का पूरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब अगर आप आंसर ढूंढोगे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब स्टैटिक जीके पे बना दिया इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को उठा के कि भाई हर्षित राजा नाम के व्यक्ति हैं, 69th नंबर का चेस ग्रैंड चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वो राज्य है जहाँ पे उद्धव ठाकरे मिल जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या मिल जाएगा, सवाल का सही जवाब मिल जाएगा महाराष्ट्र। अगर कोई स्टेट वाइज पढ़ना चाहता है ना, तो आप जाना अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने स्टेट वाइज क्लासेस करवाई हैं, पूरा का पूरा महाराष्ट्र पढ़ाया है, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, सब पढ़ाया है मैंने, ऑलमोस्ट 12 के आसपास राज्य मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक, सवाल का जवाब महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, हु हैज बीन कंफर्ड विद द अशोक चक्र बाय द प्रेसिडेंट ऑन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। वो बोल रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया, बाबूराम को, अल्ताफ हुसैन को, अरुण कुमार को या फिर अरुण कुमार पांडे को। चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हर्षित राजा की अगर उम्र उम्र वैसे पूछने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, 20 साल के खिलाड़ी हैं केवल, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताई दिया महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से, तो आप जवाब देंगे सर महाराष्ट्र में पुणे से बिलोंग करते हैं। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड दिया गया है किसे दिया गया है, बाबू राम को, अल्ताफ हुसैन को, अरुण कुमार को या फिर अरुण कुमार पांडे को। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा बाबू राम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, जैसे कीर्ति सम्मान हो गया, शौर्य चक्र हो गया, अशोक चक्र आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फादर ऑफ सुडकू पजल मेकी कालजी पास्ड अवे रिसेंटली, ही हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। वो जो सुडकू पहेली, वो सुडकू पहेली आती है ना भाई साहब, ऐसे बनी आती है, ठीक है, ऐसे करके वो पहेली बनी आती है, आपने देखा होगा। ऐसे करके वो पहेली बनी आती है, नंबर लिखे होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। जो उसके जनक थे ना, सुडकू पहेली के जनक माकी काजी का निधन हो गया है हाल ही में, किस देश से हैं बताइए भाई, हेल्प फ्रॉम विच कंट्री, रिसेंटली ही वॉज हेल्प फ्रॉम विच कंट्री, मतलब सुडकू पहेली के जनक माकी काजी जिनका निधन हो गया है हाल ही में, किस देश से संबंधित थे ये, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान या फिर फिलीपींस। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत स्वागत है विमला जी, बहुत लेट आए हैं आप क्लास में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, 69 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया है ड्यू टू कैंसर, ठीक, किस वजह से निधन हो गया वो मैंने आपको बता दिया है, रीज़न आपको बता दिया है। अगर आप ध्यान से नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको इजीली कंट्री का जवाब मिल जाएगा, ये वही कंट्री मिलेगी जहाँ पे हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक की समाप्ति हुई है, पैरा ओलंपिक भी वहीं करवाए गए और ओलंपिक भी वहीं करवाए गए हैं। एक सवाल मैंने आपसे और पूछा था आज कि 2024 में ओलंपिक किस कंट्री में करवाए जाएंगे, तो आपने जवाब दिया था सर फ्रांस में करवाए जाएंगे और फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गई है वो मशाल। सवाल आपसे एक और पूछना चाहूँगा, पैरा ओलंपिक 2024 में कहाँ करवाए जाएंगे, पैरा ओलंपिक जो करवाए जाएंगे ना 2024 वाले, वो किस कंट्री में करवाए जाएंगे, इसका जवाब और दे दीजिए। इस सवाल का जवाब जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो दुनिया की ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, अगर जनसंख्या दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा रहेगा, तो जापान का टोक्यो रहेगा, जो कि कैपिटल भी है, ठीक, जो कि राजधानी है, ठीक है, राजधानी के रूप में देखा जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी है। और भारत की राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली है, जो कि जल्दी ही बीट कर देगी जापान की राजधानी टोक्यो को जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में हम तो वैसे भी किसी को भी बीट करने में पूरे सक्षम है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाहौर बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी, ठीक है, लाहौर बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तस्मिला नसरीन, मनु एस पिल्लई, मनप्रीत सोडी, सोमेश्वर या फिर खुशवंत सिंह। इसके अलावा शिवा ट्रायलॉजी, ये जो शिवा ट्रायलॉजी किताब है किसकी किताब है, इसके अलावा ये जो शिवा ट्रायलॉजी किताब है ये किसकी किताब है, इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए फटाफट से कमेंट करके। चलिए
हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे करवाए जाते हैं ओलंपिक वहीं पर करवाए जाते हैं पैरा ओलंपिक भी, ध्यान रखना इस बात को भी, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, और वो सुडोकू वाला क्वेश्चन याद रखना, बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे मतलब जैसे ही थोड़ा सा इंसान मैच्योर होता है तो वो गेम एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करता है, और बहुत ज़बरदस्त गेम है। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा मनप्रीत सोडी सोमेश्वर। आप मुझे बता दीजिए ये जो शिवा ट्रायलॉजी है वो किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, सीता हो गया, शिवा ट्रायलॉजी हो गया, रावण राम, इस प्रकार की किताबें इन्होंने लिखी हैं, इनका नाम क्या है बस ये बता दीजिए। उस सवाल का जवाब है मनप्रीत सोडी सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी ग्रामीण भूमि पालन मजदूर नव्य योजना, भूमिहीन मजदूर नव्य योजना? अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री पर है एक्स, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, मतलब यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया थे ये, यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया थे, कितनी एज में बन गए थे? तो आप जवाब दोगे सर 1944 का इनका जन्म था, 1944 का, 1984 में प्रधानमंत्री बन गए थे, मात्र 40 साल की उम्र में, 40 ईयर्स की एज में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। इन्हें शपथ दिलवाई गई थी किनके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे उनके द्वारा शपथ दिलवाई गई थी राजीव गांधी को। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, या फिर छत्तीसगढ़ ने? चलिए, हाँ जी सुडोकू न्यूज़पेपर में आता है, बहुत बढ़िया। सुडोकू गेम तो ऐसी गेम है कि बच्चा एक बार खेलता ही है, खेल नहीं खेलनी है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है? 200 करोड़ के आसपास इसके लिए फंड जनरेट किया गया है, 12 लाख फैमिलीज को इससे फायदा मिलेगा, कोशिश है। किस राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। जल्दी से कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द करंट सीएम ऑफ, मतलब छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम क्या है, करंट सीएम कौन है? और एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि वो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे हाल फिलहाल में 3 या 4 जिले बढ़ाने की बात की गई है और ऐलान भी किया गया है, 3 या 4 जिले डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने की बात करी गई है। इसके अलावा पंजाब में जो 23वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उसका नाम क्या है, जिसकी सीमा लगेगी उत्तर प्रदेश से? पंजाब में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, नया जिला बनाया गया, उसका नाम क्या है, न्यू डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ये सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और पंजाब में आज ही आपको पता है नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सवाल का जवाब छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन लिख लेना एडिशनल में डालकर, ठीक है? भूपेश बैगल आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, बहुत बढ़िया। सीएम का नाम ये बता दीजिए मुझे, न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो 23rd नंबर का आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, 23वें नंबर का जिला मिलेगा पंजाब का, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? इसके अलावा किस राज्य ने 3 से 4 नए जिले बनाने की बात करी है हाल फिलहाल में, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी? आप सभी लोग जानते हैं कि भारत प्रदूषण कितना है, स्मोक है, ठीक है, पहले फोग होता था अब स्मोक है, तो स्मोक को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए लॉन्च किया गया, मतलब इनॉग्रेट किया गया है स्मोक टावर, किस भारत के राज्य ने ये लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली? चलिए, मेलार कोटला, बहुत बढ़िया जी, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा मेलार कोटला। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो लॉन्च किया गया ना, ये जिस जगह पर लॉन्च किया गया उस जगह का नाम है बाबा खड़क सिंह मार्ग। मान लीजिए भारत, ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई साहब कहाँ लॉन्च हुआ है, तो कोई भी विद्यार्थी जवाब दे देगा सर वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल नंबर 239A में जिसके बारे में लिखा गया है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिसे NCR बनाने के लिए करवाया गया था भारत के संविधान में संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट करवाया गया था? 69th अमेंडमेंट करवाया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे, यूनियन टेरिटरी है, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 239A में लिखा हुआ है इसके बारे में। और सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है दिल्ली। अब दिल्ली में कौन बैठा है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो कौन से ईयर में हुई थी? आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो कौन से ईयर में हुई थी? स्थापना ईयर बता दीजिए, स्थापना वर्ष बता दीजिए। और आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, इसका जवाब और दे दीजिए, नेशनल लेवल की पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है? दिल्ली में कहाँ पर किया गया है? तो बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इसकी स्थापना करी गई है, कनॉट प्लेस में। कहाँ पर? बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इसकी स्थापना की गई है। और बाबा खड़क सिंह मार्ग ये कहाँ पर रहेगा? तो कनॉट प्लेस में रहेगा। ध्यान रखना जितने पॉइंट पूछे जाएं आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हो इजीली, ठीक?
बहुत बढ़िया जी। चलिए अगला सवाल, स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी वाला सवाल का जवाब दे दीजिए बस मुझे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेवल एक्सरसाइज कोंकेन, जैसे मैंने आपको कराया इंदिरा एक्सरसाइज कराया, वो अल मोहिद अल हिंदू वाला एक्सरसाइज कराया, ज़ियाद तलवर वाला एक्सरसाइज का आपको करवा दिया मैंने, चौथी एक्सरसाइज है आपकी आज ये। ठीक, सवाल का नाम है नेवल एक्सरसाइज कोंकेन, कोंकेन नामक मतलब नौसेना अभ्यास कोंकेन 2021 भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नेवल एक्सरसाइज कोंकेन 2021 वॉज जॉइंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। डायरेक्ट सवाल है स्टैटिक जीके का, जवाब दीजिए फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर इसराइल। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। चलिए 2012 में नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, स्टेट लेवल की पार्टी है, भारत में केवल 8 नेशनल लेवल की पार्टी है, जिसमें 2016 में एक पार्टी बनी थी नेशनल लेवल की पार्टी जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस, क्लियर। इसके अलावा हाल ही में NNP करके एक पार्टी बनी थी, ठीक, जो उड़ीसा वाली थी, 2019-2020 के आसपास का सवाल है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, नेवल एक्सरसाइज वाला सवाल पूछ रहा है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, बहुत सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल का जवाब रहेगा यूनाइटेड किंगडम UK, बोरिस जॉनसन मिल जाएंगे बैठे हुए यहाँ, क्लियर, बोरिस जॉनसन मिल जाएंगे यहाँ बैठे हुए। इसके अलावा अगर सवाल पूछ लिया जाए कि G7 की मेजबानी किसने करी थी, तो आप जवाब देंगे ब्रिटेन ने करी थी, ठीक, G7 की मेजबानी किसने करी हाल ही वाली, हाल फिलहाल वाली, तो ब्रिटेन ने करी थी G7 की मेजबानी। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सवाल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज करवाएगी, तो आप जवाब देंगे सर 18वें नंबर की, द नेवल एक्सरसाइज कोंकेन 18 इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज, तो इंडिया एंड UK। पहली बार कब करवाई गई थी ये बायलैटरल एक्सरसाइज, तो आप जवाब देंगे सर पहली बार करवाई गई थी 2004 में। इस बार कौन से नंबर की करवाई गई, इस बार 18th नंबर की एक्सरसाइज करवाई गई। इसके अलावा अगर सवाल वो पूछ जाए कि कौन कौन से देश के बीच में कराई गई, तो आप जवाब देंगे सर भारत के साथ करवाई गई, और सामने कंट्री कौन सी थी, तो सर सामने कंट्री रहेगी UK, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर करवाई गई, तो आप बोलेंगे सर इसका जवाब हम देंगे कि ये कहाँ पर करवाई गई, ठीक है, कौन से प्लेस पर करवाई गई ये वाली एक्सरसाइज, कौन सी जगह पर करवाई गई, इसका जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बायलैटरल इंडियन नेवी US नेवी एक्सरसाइज मालाबार 2021, पांचवा सवाल है एक्सरसाइज का भाई, पांचवा सवाल एक्सरसाइज का, द्विपक्षीय भारत नौसेना अमेरिकी नौसेना अभ्यास, नाम है मालाबार 21, 21 मतलब 21वां संस्करण है, ठीक। जैसे कोंकेन पूछ जाए UK, अल वो अल अल मोहित अल हिंदू वाला पूछ जाए, उसका जवाब आप सऊदी अरेबिया दे देंगे, उसके अलावा वो पूछ जाए अपना ज़ियाद तलवर वाला UAE दे देंगे, तो इस प्रकार से अगर इंदिरा पूछ जाए आप रशिया दे देंगे। अब सवाल यहाँ पर आ गया मालाबार 21, क्या जवाब दे देंगे, US नेवी के साथ, इज बींग कंडक्टेड इन विच आईलैंड टेरिटरी ऑफ द USA, वो बोल रहा है द्विपक्षीय भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना अभ्यास मालाबार 21 संयुक्त राज्य अमेरिका के किस द्वीपीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, मतलब कहां पर, कौन सी वो जगह है जहां पर इसे आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है US वर्जिन आईलैंड, पुर्तो रिको आईलैंड, ग्यूम आईलैंड या फिर बेकर आईलैंड। चलिए जवाब दीजिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, 26 से लेकर 29 अगस्त के आसपास एक्सरसाइज कराई जा चुकी है, बस जवाब दे दीजिए कौन से आइलैंड में ये एक्सरसाइज करवाई गई है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, भारत की तरफ से किस किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो INS शिवालिक गई थी और INS कदमत गई थी, ठीक है, भारत की तरफ से किस किस ने पार्टिसिपेट किया शिप्स ने, तो आप जवाब देंगे सर INS शिवालिक ने, INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया और INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, ये दोनों भी याद रखना, ये दोनों सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। सवाल का जवाब है ग्यूम आईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सवाल को आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो पहला सवाल डायरेक्ट ये बनेगा कि मालाबार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच कराई जाती है, एक सवाल ऑप्शन तो दे देगा भारत, भारत के सामने किसके साथ, तो US के साथ, पहला ऑप्शन सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल है कौन सा संस्करण है 21वां, तीसरा सवाल है कहाँ पर हुई गूम आइलैंड में, चौथा सवाल बनेगा भारत की तरफ से किन शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, तो INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया और INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, नेम द जियो स्पेटियल प्लानिंग पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल हेल्प इन फैसिलिएटिंग न्यू मनरेगा असेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डाटा। वो बोल रहा है, हिंदी में देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किए गए नए भूस्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम बताएं जो रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को
सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। मतलब जो प्लानिंग पोर्टल है ये किसके लिए है, तो आप जवाब देंगे फैसिलिटिंग न्यू मनरेगा असेट्स। मनरेगा से संबंधित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, सीधा सा सवाल ये बनेगा। मनरेगा के बारे में आप जानते होंगे, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम की वो बात कर रहा है। कब लॉन्च की गई थी, नरेगा के नाम से लॉन्च की गई थी 2006 में। नाम कब बदला गया, 2008 में इसका नाम बदला गया कांग्रेस की सरकार में। जवाब दीजिए भाई, युक्त धारा, श्रम धारा, कर्म योगी या फिर मुक्त धारा। युक्त धारा, मुक्त धारा, श्रम धारा या फिर कर्म योगी। अच्छा सवाल है, 47वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायत मिनिस्टर थे जिनका नाम था गिरिराज सिंह, उसके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। चलिए नाम क्या रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जबरदस्त सवाल है। सवाल का जवाब है युक्त धारा, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, युक्त धारा है सवाल का सही जवाब। डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है उसका नाम, तो आप जवाब देंगे सर युक्त धारा रहेगा उसका नाम। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की वो बात कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं पहले इसका नाम मनरेगा था, बाद में इसका नाम नरेगा कर पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा कर दिया गया। 2006, 2005-06 में इसे लॉन्च किया गया था, 2008 में इसका नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्यूशमैन एंड वेकशील्ड्स 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक एज मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यूशमैन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्शन के रूप में भारत का रैंक क्या है। जैसे मान लीजिए भारत में कोई कंपनी आई है भाई काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसने लगा दी, तो कितना रिस्क है, मतलब कितनी रिस्क वाली भारत कंट्री है, और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई है, तो अकॉर्डिंग टू कुशमैन और वेकशील्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, सवाल ये है। चलिए रैंक एज पर द मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, मतलब भारत की रैंक क्या है, सेफ के हिसाब से देख रहा है वो। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। ऑप्शन नंबर डी आप बता रहे हैं, फोर्थ रहेगा, मतलब आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले पे चाइना रहेगा, दूसरे पे यूएस रहेगा, तीसरे पे कोई और कंट्री होगी, फ्रांस होगा, और चौथे पे हम आपको मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, मतलब जबरदस्त आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब सेकंड है, फर्स्ट पे आपको यूएस मिलेगा, सेकंड पे आपको भारत मिलेगा। सवाल का जवाब सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाली रैंकिंग आपने पढ़ी नहीं होगी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सवाल का जवाब सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, पहले थर्ड पे था, भारत सेकंड पे आ गया है। ठीक, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। वो बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को आधारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है इसी साल, ठीक है, अभी मनाई गई है कुछ समय पहले, सितंबर के महीने में उसकी वर्षगांठ मनाई गई है। तो सवाल ये है, भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने इस पॉलिसी को लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर हरियाणा। चलिए भाई जवाब दीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले पे आपको मेरे हिसाब से चाइना मिलेगा, सेकंड पे भारत मिलेगा, थर्ड पे आप यूएस मिलेगा, ठीक है ना, इसको प्लीज एक बार अपडेट कर लेना। फर्स्ट पे आपको चाइना मिलेगा, भारत की रैंक बिल्कुल, मतलब वो क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक था। सेकंड पे आपको भारत मिलेगा, इंडिया मिलेगा, इंडिया ने किसे सरपास कर लिया, इंडिया ने सरपास कर लिया यूएस को, यूएस थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा। ठीक, उस रैंकिंग में यूएस से आपको थर्ड में मिलेगा, फर्स्ट पे आपको चाइना मिलेगा, मगर भारत पर हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक था, मगर टॉप कंट्री में अगर देखा जाए तो उल्टा हो गया, वो मैंने रिवर्स बोल दिया, चाइना फर्स्ट पे आपको मिलेगा टॉप में और थर्ड नंबर पे आपको यूएस मिलेगा। भारत ने किसे सरपास किया, भारत ने सरपास कर लिया यूएसए को,
भारत यूएसए से आगे आ गया मैन्युफैक्चरिंग हब में? इस सवाल का जवाब दीजिए, 49 नंबर का क्वेश्चन है, मगर हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक था, ये बात ध्यान रखना, हमारे सवाल का जवाब गलत नहीं था, हमने भारत की सैंकिंग रखी सेकंड, वो बिल्कुल ठीक था। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा कर्नाटका। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट की गई? तो वो इंप्लीमेंट की गई कर्नाटका में। जैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वो जो स्वर्णिम आरक्षण था वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो गुजरात के अंदर। इस प्रकार से ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कर्नाटका। और इसी के साथ हमारी अर्धशतक हो गई है, हाफ सेंचुरी। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काज हिंद 2021 विल बी कंडक्टेड। आज का छठा एक्सरसाइज वाला सवाल है ये, मतलब प्रॉपर मेरी तैयारी चल रही है आपके अनुसार, एसएससी जीडी स्टेनो और एमटीएस और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाली, क्लियर। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त परीक्षण अभ्यास काजिंद 21 का पांचवा संस्करण आयोजित किया जाएगा कहां पर? चलिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 2021 विल बी कंडक्टेड एट दुशानबे, जोधपुर, ऐशा बीबी या फिर कोर्डे। किस किस कंट्री के बीच होती है वाली एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद? देखिए, ये लिखा पीछे इंडिया और आगे वाला जो ये लिखा है ना काज, उसका मतलब क्या है? कजाकिस्तान। अगर मान लीजिए भूल गए पेपर में, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में भूल गए, तो ये लिखा काज इंद, अलग अलग करके पढ़ लेना, ये लिखा इंडिया और ये क्या लिखा है, ये लिखा कजाकिस्तान। जैसे इंदिरा अगर हम पढ़े इंदिरा को अलग अलग करके पढ़ लेना, इंदिरा में आई एन डी से क्या हो गया इंडिया, आर ए से क्या हो गया रशिया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही ऑक्सीनेक्स करके एक एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये पीछे वाला इंडिया हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है। जिमैक्स है एक एक्सरसाइज का नाम है जिमैक्स, ठीक है। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज करके इसका नाम है। इस प्रकार से बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, बस जगह बता दीजिए, स्थान बता दीजिए, स्थान कौन सा है, चलिए कौन से स्थान पर ये एक्सरसाइज करवाई गई, बस इतना ही आपको जवाब देना है। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऐशा बीबी करके जवाब रहेगा सवाल का सही जवाब, क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा ऐशा बीबी, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको ये जगह मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट बैच ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी इन नागपुर महाराष्ट्र, द MMHG इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। वो बोल रहा है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, जिसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये नहीं, का पहला बैच महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय सेना को सौंप दिया गया। MMH किसके द्वारा निर्मित है, मतलब किसके द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया? हैंड ग्रेनेड के बारे में आप जानते हैं, MMHG फुल फॉर्म है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैज बीन हैंड ओवर, मतलब इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिए गए हैं, फर्स्ट बैच हैंड ओवर कर दिया गया है। कहाँ हैंड ओवर किया गया? नागपुर में, क्लियर। नागपुर कहाँ मौजूद है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे पर मौजूद है? तो नाग नदी के किनारे पर ये मौजूद है। किस लिए फेमस है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑरेंज के लिए। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है, इसका जवाब दीजिए, जिसका नाम बदलकर हाल ही में राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, केवल औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये कहाँ पर है ये बता दीजिए बस केवल। द MHG इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसको किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जवाब दीजिए भाई जल्दी से, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन है बेमेल के द्वारा, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL के द्वारा, भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, भाई साहब मैं तो बना हूँ, तुम ही नहीं बने हुए हो। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब, क्लियर। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, वरना रोक देता हूँ क्लास, बाकी के बचे हुए सवाल खत्म कर लेंगे। 51 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, एक बार जल्दी से बताइए कंटिन्यू करें आगे या फिर बस स्टॉप करें। 51 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए, वो औरंग नेशनल पार्क वाले का, कि औरंग नेशनल पार्क जिसका हाल ही में नाम बदला गया, पहले हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब उसको कर दिया गया केवल औरंग नेशनल पार्क, ये औरंग ये वाला है, ठीक, केवल औरंग नेशनल पार्क उसका नाम कर दिया गया है, ये बता दीजिए कहाँ पर है, ठीक। चलिए इतना ही रखते हैं, क्लास को सफिशिएंट है, 2 घंटे से ऑलमोस्ट हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन हमने किए हैं, 51 क्वेश्चन हमने किए हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि समझाना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा भी दी हैं जो आपको समझाना ज़रूरी थी, ठीक है।
अब कल आपको मिल जाएंगी तीन क्लासेस, कल तीन क्लासेस आपकी रहेंगी। पहली क्लास दोपहर 1 बजे रहेगी। अगर आप MTS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD के एग्ज़ाम की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं स्टैनो के एग्ज़ाम की, या NTPC CBT 2 की, या फिर UPSI की, और आप पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक GK के सवाल, तो आपको कल दोपहर आना है साइंस हेवन चैनल पर 1 बजे। कल दोपहर साइंस हेवन चैनल पर दोपहर 1 बजे क्लास है, लेने के लिए ज़रूर पहुँच जाइएगा टाइम पर, कुछ अलग आपको करवाया जाएगा वहाँ पे, ठीक। इसके अलावा एक क्लास आपको मिल जाएगी रात 8 बजे Wi-Fi 2.0 पर, और एक क्लास आपको मिल जाएगी रात 9:15 बजे साइंस सेवन चैनल पे, ठीक। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? इसकी PDF आपको साइंस सेवन चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, और या फिर आपको मिल जाएगी Wi-Fi 2.0 के टेलीग्राम चैनल पे। दोनों टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, या तो साइंस सेवन टेलीग्राम चैनल या फिर Wi-Fi 2.0 के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे द्वारा क्लास के अंत में, ठीक। मतलब क्लास छोड़ दें, ठीक है। अब आप भाई साहब डिनर विनर नहीं किया तो प्लीज़ खाना वाना खा लेना, या फिर जैसे आपको ठीक लगे, पढ़ाई वढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।